उन्होंने इस तरह से लगाई जैसे जैसे जैन सभा रजिस्टर्ड रोहतक में जिला रजिस्टर्ड सोसाइटीज द्वारा HRRS 2012 की धारा 39(10) के अंतर्गत जैन सभा रजिस्टर्ड रोहतक के चुनाव करवाने हेतु 7 सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया मार्च 2022 में 3 महीने के लिए किया गया। सभी तदर्थ समिति के सदस्य आगामी होने वाले चुनाव में भाग ले सकते हैं, प्रत्याशी के छोर पर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते से संबंधित नियम सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार या अन्य किसी नियम के अनुसार की सत्यापित प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराए। इसमें इन लोगों ने जवाब क्या दिया, एक तो इन्होंने जवाब हिंदी में ना दे के अंग्रेजी में किया। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी हिंदी में, उसका जवाब इन्होंने इंग्लिश में दिया। ये लोग लिखते हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज अप्राइज्ड दैट सोसाइटीज आर गवर्न्ड अंडर हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012। हेंस वी आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो थ्रू द प्रोविजन कंटेन्ड अंडर HRRS 2012 एंड रूल फ्रेम देयर अंडर व्हिच इज अवेलेबल एट डिपार्टमेंट वेबसाइट। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। तो सर मेरा ये कहना था, जब इनसे हम एक जवाब मांग रहे हैं तो वो जवाब सूचना ना दे के वो उनको एक एक्ट का हवाला दे रहे हैं, क्या उचित है ये? नहीं बिल्कुल उचित बारे जी बिल्कुल उचित नहीं है। आपको जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए थी उनको, ये पोर्टल में तो बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, लेकिन जब हम RTI लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी वेब पोर्टल में या जहाँ भी जानकारी हो उसकी हमें प्रमाणित प्रतिलिपि मिले। और इस विषय में जैसा कि आप जानते हैं, कई बार शैलेश गांधी जी ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है और उनके कार्यकाल के दौरान भी ऐसी बातें आई हैं। तो उन्होंने जो जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध थी उसके बावजूद भी वो जानकारी मतलब हार्ड कॉपी के फॉर्म में उपलब्ध करवाई और वो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध करवाई इस तरह से। तो पोर्टल में उपलब्ध कई बार एक्ट में कोई चीज जानकारी क्लियर नहीं होती है, हाँ। तो उसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट को ही इसको क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होगा। नहीं देखिए तो एक ही है, डिपार्टमेंट को क्लियर करना पड़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। एक्ट के विषय में उन्होंने बता दिया तो वो हमें पढ़ लेना चाहिए और हमें अपना कंफ्यूजन दूर करके या जो भी उससे संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे सपोज करिए कोई एडवोकेट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको दिखा दें या उस विषय विशेषज्ञ से हम बात कर लें, उनको बता दें और वो हमें बता दें कि भाई ये एक्ट है और यहाँ से ये जानकारियाँ इस काम के लिए मतलब मांगी जा सकती हैं, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। हम ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि विभाग के जो विभाग प्रमुख है या लोक सूचना अधिकारी है वो पूरे एक्ट के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि उनके पास आवश्यक नहीं है कि उतना समय रहे। तो इस बात से तो थोड़ा सा हम असहमत हैं कि हम सब उनके लोक सूचना अधिकारी को बताएंगे, क्योंकि वो क्लियर हमें करना पड़ेगा और क्लियर करके वहां से हमें वो जानकारी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब जानकारी बृहद रहती है इस तरह से रहती है तो वो क्या कहते हैं कि आप आकर के कार्यालय समय पर दस्तावेजों का आप अवलोकन कर लें, दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत जो जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त कर लें। अब यहाँ पे ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब दस्तावेजों का अवलोकन करने के लिए हम जाएंगे तो स्वाभाविक है ये जानकारी तो हमें रहनी चाहिए ना कि उन दस्तावेजों के से संबंधित कौन सी जानकारी हमें चाहिए। हम ये यदि पूरी तरह से उस लोक सूचना अधिकारी पर छोड़ दें कि वही वो दस्तावेजों को छांट करके हमें बताएं तो वो मतलब तार्किक और ज्यादा उचित नहीं कहलाएगा। बेहतर होगा कि हम अपने साथ एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ लेते जाएं और उनके माध्यम से वो चीजें हम वहां पर अवलोकन करके सेपरेट करवा लें। मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें क्या है कि सोसाइटी एक्ट में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है। सोसाइटी एक्ट को बड़ी डीपली मैंने उसको पढ़ा है, स्टडी किया है। इस बारे में जो मुद्दा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उस बारे में सोसाइटी एक्ट कहीं नहीं लिखता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की अथॉरिटी होती है, वो उस पर डिसाइड करेगा कि वेदर वो उस उन बंदों को जो उसमें मेंबर्स हैं एडो कमेटी में उनको अलाउ करता है या नहीं करता है, ये उसका डिस्क्रिशन पावर है। तो ये उसको देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि एक्ट में इसके बारे में कहीं क्लियर नहीं है कि इस केस में क्या हो, इसलिए मैंने इनसे पूछा। नहीं तो ठीक है, यदि उन्होंने वो जानकारी आपको नहीं दी है और सीधे उन्होंने एक की बात बता दी है तो उसमें आप अपील कर सकते हैं, उसकी अपील पे आप अपील कर, हाँ अपील करेंगे। वो तो स्वाभाविक, देखिए ऐसा है जन साहब कि आजकल हमने ये देखा है कि छोटी छोटी बातों पर भी PIO जवाब नहीं देते, ठीक है ना।
अब हम उनसे क्या लड़ेंगे, उनको उनको भी पता है कि यदि अपील में जाएंगे तभी इनका कुछ निराकरण होगा, और हमें भी पता है कि बिना अपील के कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो दंड लगाने का अधिकारी है जब वो गलती पाएगा और उनके ऊपर दंड लगाएगा तभी जुर्माना लगाएगा तभी उनका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। और सामान्यतः तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी किस तरह से धारा 8 और 9 का, इस तरह से 11 का हवाला देकर के हम लोगों को जानकारी से रोका जा रहा है, तो ये बात तो तय है कि उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं है हमारे और आपके प्रति, उनका तो बस ये है कि किसी तरह से इनको टरका दें और ये बस जानकारी से दूर भाग जाए। ठीक है, बिल्कुल यही रहता है। जी जी, तो उसमें हमें लगता है कि अपील पे ही जाना पड़ेगा और अपील पे जाए ज्यादा बेहतर रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे और भी साथी हैं, अभी हमें लगता है कि हमारे विशेषज्ञ जो भी हैं कार्यक्रम के अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो आप लोग अपने अपने अनुभव या इस तरह से आप लोगों को और भी एक विषय के बारे में जानकारी हो, बहुत सारे हमारे साथी हैं उनको काफी अनुभव भी रहता है, वो तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सर नमस्कार। और नमस्कार रंजीत जी, कहाँ से हैं आप? सर जोधपुर राजस्थान से हूँ। सर जी, मैंने ग्राम पंचायत की अपील की थी, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने प्रथम अपील सरपंच को की थी। अच्छा, आपके जोधपुर राजस्थान में प्रथम अपीली अधिकारी सरपंच को बना के रखा है? हाँ जी, ग्राम सचिव होता है अपील अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी होता है सरपंच हमारे यहाँ पर। हाँ, मतलब RTI जहाँ आवेदन दायर करते हैं वो सचिव के पास करते हैं और अपील आप सरपंच के यहाँ करते हैं, यही ना प्रथम अपील? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, सरपंच साहब ने क्या कहा? सरपंच साहब ने कोई जवाब नहीं दिया सर, तो मैंने सेकंड अपील की राज्य सूचना आयोग में। हाँ, वहाँ से लेटर है मेरे पास 9/11 को, पैसे है क्या, मेरे को जाना पड़ेगा या मैं लेटर भेज दूँ? इसमें दो बातें होती हैं, एक तो एक नजदीक है और आप अपना पक्ष ज्यादा मजबूती से रखना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि PIO और प्रथम अधिकारी अपनी डब्ली अपना राजबाजी बात हो जाती है, तो वहाँ पर पहुँच करके कुछ भी बता देंगे आपके विषय में, तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा सुनवाई में, और नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर आप लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं, मतलब यथास्थिति। भैया वहाँ पहुँच ही जाना, लेटर गायब कर देते हैं वो लोग। हाँ, तो जैसा शिवम जी बता रहे हैं अपने अनुभव, तो ये भी ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहुंचना ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा विश्वसनीय सूचना आयुक्त तो नहीं है जो जनता के फेवर में अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो बेहतर होता है कि वहाँ हमें लड़ झगड़ करके अपना पक्ष रखना पड़ता है, तो अच्छा है कि आप वहाँ पे पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद रंजीत जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे और भी साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने अनुभव वो भी साझा करें। सर नमस्कार। नमस्कार श्याम सुंदर जी, सर मैं आप सुरपुरा कहाँ से हैं? सुरपुरा से? सर मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। ये पूरा आपका नाम है श्याम सुंदर भांबू सुरपुरा, ये आपका पूरा नाम? हाँ जी, सुरपुरा मेरा गांव का नाम है, मैं लगाता हूँ आगे। हाँ जी सर, अभी इन्होंने जैसे प्रश्न किया था ना कि हमारे प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच है, सर इसका मतलब बहुत ही गलत है, क्योंकि सरपंच का और ग्राम सेवक का कार्यालय हमारे एक ही कार्यालय होता है, अब एक ही कार्यालय में और उनके कोई पद नहीं होता है, जैसे सरपंच है तो सरपंच के कार्यालय में केवल उनके एक LDC का पद होता है, तो वो प्रथम अपील अधिकारी उसी का कार्यालय का प्रथम अपील अधिकारी होता है, तो फिर न्यायपूर्वक निर्णय नहीं हो पाता है सर प्रथम अपील उनकी, क्योंकि जो ग्राम सेवक कहेगा वही सरपंच करेगा, जो सरपंच कहेगा वही ग्राम सेवक बनेगा, क्योंकि दोनों ही गाँव के अध्यक्ष और एक सचिव होता है ग्राम पंचायत के, इसके संदर्भ में। हाँ, बहुत सही है सर, विकास अधिकारी होना चाहिए, BDO होता है ना वो। पहली बात तो देखिए, हमारा जो सेंस कहता है कि प्रथम अपीली अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सरपंच या कि कोई भी ऐसा पद, विधायक, सांसद, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये जो लोग होते हैं ये कोई ऐसे पद नहीं है जो मतलब पूरा जिनके लिए पूरी जिम्मेदारी आप बोल सकते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि जिनको आप कह सकते हैं, तो इनको इस तरह का प्रथम अपीली अधिकारी बनाना या लोक सूचना अधिकारी बनाना, मुझे तो ये नियम कायदा बिल्कुल समझ के बने है कि राजस्थान में ये कैसे चल रहा है, पर ये बहुत पहले भी बात आई थी
जब ये वेबिनार चालू हुआ था तब भी लोग राजस्थान से जुड़ते थे, वो अपनी बातें इस तरह से बताते थे। तो इसके विषय में आप लोगों को प्रयास करना चाहिए और सूचना आयोग को लिखना चाहिए, सरकारों को लिखना चाहिए, भाई उनको आप प्रथम अपीलीय अधिकारी मत बनाओ, जैसा आप करें BDO को बना दो, दूसरे शब्दों में तो हमारे लोगों के यहाँ उसको CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बोलते हैं, तो उसको बना दो। हमारे यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते ही है, मतलब जनपद स्तर पर आप RTI लगाएंगे तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, और जो ये होते हैं आपके लोक सूचना अधिकारी जनपद स्तर पर होते हैं तो BPO उसको बोलते हैं, BPO इस तरह से, या पंचायत इंस्पेक्टर दूसरे शब्द में, तो पंचायत इंस्पेक्टर होता है उनका पद, तो ये उचित है। यहाँ पर वो सरकारी स्तर के कर्मचारी हैं, उनकी कुछ लाइबिलिटी, कुछ उनके उत्तरदायित्व तय होते हैं, लेकिन जहाँ आप सरपंचों को लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी बना देंगे तो वहाँ पे गड़बड़ी ये हो जाएगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो पहली बात तो उनकी बिल्कुल वो अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि पंचायतों में भ्रष्टाचार का पूरा श्रेय आप देख रहे हैं जगह उन्हीं को जाता है। अब इतना अच्छा है पंचायतों में काम कर रहे हैं, लोगों ने इतनी सारी शिकायतें उनके विरुद्ध करते हैं, तो अब ये लोग मतलब RTI को किस तरह से जस्टिस दिलवा पाएंगे RTI आवेदनों को, ये बहुत बड़े प्रश्न की बात है, प्रश्न के दायरे में आ जाता है, इनको हटना चाहिए। इस व्यवस्था के विरुद्ध हमें लगता है कि आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। जी सर, हाँ प्रयास करना चाहिए। नरोत्तम शर्मा जी हैं हमारे आगरा से, नरोत्तम शर्मा जी क्या हाल? जी सर बस ठीक है भाई सर, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार भाई सर। जी नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी, बताएं उप्रेति जी सम्मिलित हुए आज? अभी तक तो नहीं आए हैं, देखिए इंतजार कर रहे हैं, अभी कार्यक्रम चालू होता है तो हो सकता है थोड़ा सा डिले में जुड़े। हाँ चलो, तो फिर उनसे एक्चुअल में ये एक दिन में कैंप लगा के बृहत संख्या में जो अपीलें सुनते हैं तो शिकायतों को अपील में निस्तारण कर देते हैं, और बाकी के उनके जो डिसीजंस हैं आज मैंने अभी डाला भी है वो दोषपूर्ण हैं, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आप ये जो शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं या अपीलों का निस्तारण कर रहे हैं, हालांकि उसमें मैं कोर्ट में तो जा रहा हूं, पर एक बार हमने कहा उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आप एक तो RTI कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से निगलेक्ट करके PIO को सपोर्ट कर रहे हो, एक हमारे नगर निगम आगरा में, नगर निगम आगरा वहाँ अपीलों के निस्तारण के समय नगर निगम से जाने के बाद 60 लाख रुपए पेमेंट अब तक कर चुका है, तो हमने ये पूछा है कि विध व्यवसायियों को आप अलाउ कैसे करते हैं जब 20-1 की पेनल्टी का भुगतान उसकी सैलरी से किया जाता है, तो PIO की जगह सुनने के लिए विध व्यवसायी को विभाग फीस दे रहा है, और उस फीस का हमने ये मांगी आयोग से कि आपने कैसे अलाउ किया हुआ है, और वो वहां पर उन कर्मचारियों से मिलके या अन्य लोगों से मिलके वहां उन मामलों का निस्तारण अपने तरीके से करा लेता है। अभी एक मामले में हमारे पास डेट आ रही थी, बीच में निस्तारण कर दिया, डेट 20 जून की है, परसों आ गया कि निस्तारण कर दिया गया है, तो और दो हमारी शिकायतें हैं वो अपील में निस्तारण की हैं, वो मैंने आज डाली भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई उप्रेति जी आप फास्ट चल रहे हो लेकिन फास्ट में स्टेशनों को छोड़ते हुए जा रहे हो, ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी एक और है जो अभी बात चल रही थी उस पर ही, कि जैसे आगरा विकास प्राधिकरण है उन्होंने एक AE को PIO बनाया है और अपीलीय अधिकारी वित्त नियंत्रक को बनाया है, उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं 2-3-4 वो प्रॉपर उनकी उसका वो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं उनकी बात का, तो वो प्रॉपर वहां निस्तारण नहीं हो पाता है। हम कई बार लिख के दे चुके हैं आयोग को कि भाई वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी बनाया जाए, जब तक यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है उसको नहीं आप PI वो बनाएंगे फर्स्ट अपीलीय अधिकारी, और सेक्रेटरी लेवल के आदमी को PIO नहीं बनाएंगे, तब तक बाकी के लोग इनकी बात नहीं मानते हैं। एक्चुअल में हमारा वो है वो प्रति जी के में ही है आगरा, तो इनसे ऐसे बहुत से आज हमने कहा इनसे थोड़ा इन विषयों पर चर्चा करेंगे, तो अभी हम जब वो प्रति जी आ जाते तभी विस्तृत आपसे भी थोड़ी इसमें राय लेते हैं। वैसे हमने उसमें रिव्यू डाल दिया है दोनों में, पर रिव्यू की पोजीशन ये नहीं है कि बार बार कितने केसों में रिव्यू डालें, 6 केसों में शिकायतों को अपील समझकर निस्तारण कर चुके, तो आप लोगों से यही चाहते हैं कि इसमें थोड़ा
उनसे भी बात करें, गाइडलाइन दें, आप ही हमें बताएं क्या करें ऐसे मामले में। आपसे ही थोड़ा शिकायतों को पहली बात अपील में बदलना नियम के अनुरूप नहीं है, पहली बात तो ये संभव नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जब अपील आप करते हैं। अच्छा, क्या अपील में आपके यहाँ फीस भी लगता है, क्या कोई शुल्क भी लगता है? नहीं नहीं, फीस नहीं लगता है, न अपील में लगता है न शिकायत में लगता है। लेकिन मेरा कहना ये था कि आपने उससे कहा कि आप ये सूचना का प्रकटन करिए, उसने सूचना गलत दी, उस इन्होंने निस्तारण कर दिया कि सूचना प्रदान कर दी गई है, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को इन्हें लिख के भेजा कि अपील और शिकायत भिन्न भिन्न है, इन्हें एक चीज नहीं किया जा सकता। जो मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के एवज में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अभी इसकी कॉपी डालता हूँ दो मिनट में, तो हमने उसका हवाला दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि अपील और शिकायत भिन्न भिन्न है, अपील भिन्न शिकायत को अपील मानकर निस्तारण नहीं किया जा सकता। वो मैंने वो भी आदेश की कॉपी डाली है कि आपने ये जो जजमेंट किया है वो दोषपूर्ण है, आप इसे, मैं उसकी भी डालूंगा जो रिव्यू डाला है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। आयोग ही जब ऐसा करेगा तो यहाँ के PIO तो अपने आप ही शिथिल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बस मुझे एक उस पर गाइडलाइन दे दें, जो ये विध व्यवसायियों को पेमेंट कर रही है, 60 लाख रुपया एक ही विभाग पेमेंट कर चुका है, इस पे थोड़ा 60 लाख रुपए नगर निगम आगरा, एक वकील शैलेंद्र सिंह चौहान ने उसे अपील के लिए प्रस्तुत होने के लिए यहाँ से भुगतान किया है ट्रेजरी से। तो हमने इनसे भी पूछा है, हमने कहा भाई FIR तुम्हारे नाम होनी चाहिए। आयुक्त तो उसने कहा शर्मा जी मैं अपने नाम कैसे कर लूंगा, कोर्ट से करा के लाइए। तो लेकिन पहले हम इनके यहाँ अपील में गए, उन्होंने उस अपील का निस्तारण करने लग, उन्होंने नगर निगम में अपना वकील लगा के रखा है सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में, और उनके लिए उन्होंने 60 लाख रुपए 2 साल में दे चुके हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा फीस है। इस विषय में हमारे विधि विशेषज्ञ भी थोड़ा सा विषय विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं, माननीय आदमदीप सर हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त। आदमदीप सर आपका हार्दिक स्वागत है। आदमदीप सर सुन पा रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सर, बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप जुड़े हैं और हमें लगता है कि विषय विशेषज्ञ के तौर पर आप ही बस अभी कार्यक्रम में जुड़े भी हैं और प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। नरोत्तम शर्मा जी ने जो बात रखी है अभी लास्ट वाला जो उन्होंने जोड़ा है अपना, कि वकील नियुक्त करके 60 लाख रुपए जोड़ दिए, मतलब दे दिए गए हैं 2 साल में, मैंने RTI से मंगा लिया है उसका। नहीं नहीं, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, नरोत्तम शर्मा जी ने जो बात कही सर, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, यदि जितने RTI पिछले 2 साल में नगर निगम आगरा में लगाए गए, यदि उन सभी RTI को पब्लिकली पोर्टल में रख दिया जाता और सभी RTI आवेदकों को वो जानकारी यदि मुफ्त में उपलब्ध करवा दी जाती तो शायद इतना खर्चा नहीं आता जितना 60 लाख 2 साल में वकील साहब को पे करने पे लगा है। तो ये कहाँ तक जायज है और ये कहाँ, मतलब इसके लिए ये क्या करें, थोड़ा सा इस विषय पर जरूर प्रकाश डालें। देखिए, ये RTI में वकील की को पैसा देके और अपनी तरफ से पेश कराना सूचना आयोगों में, ये हमारी दृष्टि में सरासर जनधन का दुरुपयोग है, लोकधन का मिसयूज है। RTI में कोई विधिक व्यवसाय के व्यक्ति की वकील की आवश्यकता ही नहीं है, ये आम जनता का कानून है और सूचना आयोग आम जनता की अदालत है जिसमें व्यक्ति स्वयं पैरवी कर सकता है। और लोक सूचना अधिकारी के लिए तो ये अनिवार्य है कि वो शिकायत और अपील की सुनवाई में उपस्थित हो, बाकी लोगों की सुनवाई स्वैच्छिक है, अपीली अधिकारी और अपीलार्थी या शिकायतकर्ता वो चाहे तो जाए चाहे न जाए अपना लिखित जवाब भेज दे, लेकिन लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित होना ही चाहिए उसमें, नहीं तो आपने देखा होगा जो उपस्थित नहीं होते उनके खिलाफ माननीय राहुल सिंह जी ने और भी मेघालय सूचना आयोग ने इन्होंने वारंट भी जारी किए हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो ये दुरुपयोग है, इसकी उच्च स्तर पे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायत की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री,
अपने परिचित विधायकों सांसदों के जरिए विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा पब्लिक मनी का मिसयूज कर रहे हैं। लोक सूचना अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर जानकारी में वकील की जरूरत कहाँ है कि मैंने इस आरटीआई का क्या किया, उसको तो पूरी पंजिका में सारा इंदराज करना होता है, कब प्राप्त हुई, कब उसका जवाब दिया नहीं दिया, तो कारण क्या है। ऐसे अपीलीय अधिकारियों को अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है आरटीआई के, तो इनको वकील की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये केवल मामले को लंबा खींचने के लिए, और वकीलों करके भी उनके साथ कमीशन खोरी ये लोग करते होंगे, लोक सूचना अधिकारी वगैरह। भाई मैंने यही सर, इसमें एक चीज मुझे जानना था, सूचना आयुक्त जो होते हैं वकीलों की आवश्यकता ही नहीं है, सुन रहे हैं वकीलों की बात वहां पर, उनको खड़ा करके सुनते क्यों हैं सूचना आयुक्त, क्या उनको कुछ सिखाया नहीं जाता? सूचना आयुक्त ही इसमें मेन गड़बड़ कर रहे हैं ना सर, वकीलों को सुन रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, सूचना आयोगों को वकीलों को सुनना नहीं चाहिए, उसको लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित होने पर बल देना चाहिए, और ये हमने किया है। जब हम मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त थे, जो भी वकील आता था उसको हम नहीं बोलने देते थे, पीछे खड़ा कर देते थे, और ये भी कहते थे कि केंद्रीय सूचना आयोग ने तो एक बार नियम ये भी बनाया था, मुझे पता नहीं अभी लागू है कि नहीं, कि सूचना केंद्रीय सूचना आयोग में कोई विधिक व्यवसाय के व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार की ओर से उपस्थित नहीं हो सकता, बैन किया था वकील को उपस्थित। यही मैं सर, एक मिनट, नमस्कार सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो एक शैलेंद्र सिंह चौहान को 2 वर्ष में नगर निगम आगरा ने 60 लाख का पेमेंट किया है, और आयोग सुन रहा है, आयोग के सारे लोगों से वो नीचे के मिला हुआ है, तो वो अपने हिसाब से उनका निस्तारण करा देता है, और हमारे आयुक्त भी कर रहे हैं, तो मैं इनसे उप्रेति जी से पूछना चाहता था कि आपके कोर्ट में भी वो बार बार प्रेजेंट हो रहा है, तो आप उस पर बैन क्यों, कि हमारा जो आगरा कमिश्नरी है वो उप्रेति जी के ही साथ में लगी हुई है, तो मैं यही पूछना चाहता था कि भाई विध व्यवसायी को सुनना या उसको फीस देना, मैंने ट्रेजरी से पूछी है कि आपने किस हेड से इस पेमेंट को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो अधिकारियों के आदेश से इस भुगतान को दिया गया है, तो यही सर आपसे निर्देश चाहते हैं क्या करें इसमें, FIR कोर्ट में जाना पड़ेगा, वैसे तो FIR क्या हुई क्योंकि वो कह रही नगर आए तो आप भाई, एक विकल्प तो हमने पहले बताया कि इन इनको लोगों को आप शिकायतें करें, विधायक वगैरह कह के विधानसभा में भी ये मामला उठवाएं, ठीक है, मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री, और जिस विभाग के द्वारा ये ज्यादा किया जा रहा है ये ओपन करो, ये वो दिखाई दे, ये मुख्य सचिव को फोटो में देखा तो जी, और दूसरा सूचना मुख्य सूचना आयुक्त और आपके राज्य के सभी सूचना आयुक्त को भी एक ज्ञापन भेज के कुछ लोगों के हस्ताक्षर रखेंगे, और ये मांग करने चाहिए कि ये गलत है और ये प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए, ये पब्लिक मनी का मिसयूज है। हमने एक किया था, हमने अपनी कोर्ट में इसको लागू किया था कि कोई वकील को हम कानूनन तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि आरटीआई एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी शिकायतकर्ता कोई भी अपनी सहायता के लिए किसी को भी साथ में ला सकता है, या अपने अधिकृत करके भी अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, ये तो प्रावधान है जी, उसका पेमेंट विभाग दे सकता है। जब हमारी रिकवरी 20-1 की पेनल्टी की रिकवरी उससे PIO से होती है, तो क्या सुने जाते समय व्यवसायी को रखने का भुगतान विभाग कर सकता है? बस मैं तो यही एक पॉइंट पे जानना चाहता हूँ। हमारे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि वकील कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं और सूचना आयोग कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है भाई, ये न्यायालय थोड़ी है, सिविल कोर्ट नहीं है या ये न्यायालय नहीं है, तो आप इसमें सूचना आयुक्त तो खुद इंटरनेशनल जज बन गए हैं आजकल, सूचना आयुक्तों को भी लिखना चाहिए कि वो इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें, इनको सुनने के बजाय सीधा संबंधित पक्षकार को बुलाएं उसको सुने। हमने ये भी देखा है, लोक सूचना अधिकारी नहीं कही, अपीलार्थी भी कुछ अपीलार्थी भी वकील ले आते थे, और कुछ धमकाएंगे डराएंगे सर, तो वो वकील ही तो ले जाएगा ना। दूसरा एक शिवम जी एक काम करते हैं, एक चीज एक समय पर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा खिचड़ी हो जाता है, तो पहले नरोत्तम शर्मा जी की बात का समाधान हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ जी शर्मा जी, देखिये शर्मा जी के मामले में सारी बातें क्लियर हो गई है, इन्होंने पहले एक अपील और शिकायत से जुड़ा मुद्दा उठाया था, उस बारे में वैधानिक स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आप हवाला दे रहे हैं, हमारी जानकारी में केवल एक आदेश है धारा 18 और 19 के बारे में, दोनों मैं डाल देता हूँ, अभी सर मैं अभी डाल देता हूँ,
विस्तृत व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें ये कहा है कि शिकायत पर जानकारी देने का सूचना आयोग आदेश पारित नहीं कर सकते, और नॉर्थ ईस्ट राज्य के ही एक सूचना आयोग ने शिकायत पर जानकारी देने का आदेश पारित किया था, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी अगर लेना है, जानकारी देने का सभी पारित कर सकता है जब अपील में गया हो अपील व्यथित व्यक्ति, और तो हमेशा अपील करना फायदेमंद होता है। आपके यहाँ तो दोनों निःशुल्क है, हमारे यहाँ तो अपील के मध्य प्रदेश में 100 रुपए है, इसलिए भी कई लोग शिकायत ही करते हैं। सर मैं एक मिनट लूंगा, ये कुछ विभाग तो पूरी सुनिए जी जी, जवाब तो सुनिए उसके बाद बोलिए, और देखिए आपकी अपील को शिकायत को अपील में कन्वर्ट कर दिया, इससे आपको क्या नुकसान है बताइएगा? आपको फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। शिकायत से बेहतर अपील होती है हर दृष्टि से, और सूचना आयोगों में भी हमने जो देखा है सुनवाई में प्राथमिकता अपीलों को ही दी जाती है, शिकायतों को समय मिलने पर अटेंड किया जाता है, शिकायतों पर बहुत जल्दी एक्शन कम होता है, तो अपील में कोई भी नुकसान नहीं है। किसी की शिकायत को अपील में कन्वर्ट कर दिया हो तो उसके हित में ही है। नहीं सर देखिए, कोई भी अधिकारी कानून बनाने के लिए नहीं, जब प्रोविजन नहीं है शिकायत को अपील में कन्वर्ट करना, शिकायत में हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच। बताइए आप तो मुद्दे पे आइए ना कि इससे किसका क्या अहित हुआ, अहित क्या हुआ, किसने हुआ? अहित ये हुआ कि जैसे हमने शिकायत की है कि पीआईओ की और फर्स्ट अपीली अधिकारी की कोई जवाब ना देने की टेंडेंसी बन गई है, जो आदत बन गई है, तो हम ये चाहते हैं 20-1, 20-2 की लगातार इनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाएगी तो वो उन्हें एक आवास होगा, इस स्टेज तक हमें आना ही नहीं पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर ही हमें सूचना उपलब्ध करा देंगे तो हमें वहां तक क्यों जाना पड़ेगा, आयोग तक क्यों? अब हमें एक बार जाने में 5,000 रुपए खर्च होते हैं, शिकायत में ये 5-5 डेट लगा देते हैं, जिसमें उपस्थित नहीं होते हैं उसी में निस्तारण उनके पक्ष में कर देते हैं, और शिकायत में ऐसा नहीं है। शिकायत में तो वो एक बार उन्हें नोटिस देंगे, जांच करेंगे कहां ये तथ्य सही है, और 20-1 और 20-2 की कार्रवाई करेंगे। अपील में वो 5-5 डेट लगा रहे हैं तो उन पर कैसे जाएं? हमारे यहाँ से 5,000 रुपए खर्च होते हैं आने जाने और रहने में, तो इसीलिए मैंने कहा था। जी सर, अगर अनुमति देंदीप सर अगर अनुमति देते, एक मिनट देवेंद्र भाई इनकी बात का जरा दे दें। विनोद जी ये देखिए, सुनवाई में जाना अपीलार्थी के लिए किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है, ना प्रथम अपील को मान ही नहीं रहे वो, मैं तो 5 बार कह चुका हूँ सर इस बात को। आप अपना लिखित कथन भेज सकते हैं, वो उसे लगाते नहीं, लिखित कथन वहाँ पे टेकअप नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाएगा। अगर आप डाक से भेजेंगे तो पत्र गायब कर दिया जाएगा, उस पर सूचना मांगेंगे तो एक पत्रांक बना रखा इन्होंने। देखिए उसके लिए आपके पास साधन है कि आप आरटीआई लगा के और अपने पूरे केस की पत्रावली मांग सकते हैं, पूरी फाइल की कॉपी, उसमें आपको पता लग जाएगा। प्रदेश में सर इन्होंने अपना कार्यालय आदेश जारी कर रखा है जिसमें 6(1) के तहत सूचना मांगने पर ये कहते हैं आके निरीक्षण कीजिए, इन्होंने सर पूरा सिंडिकेट बना रखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने अपना, बहुत ही सुनियोजित ढंग से काले कारनामे हो रहे हैं सर यहाँ पर। नहीं नहीं ये आक्षेप हमें नहीं लगता है कि सही है। सर आप स्वयं 1-2 आरटीआई उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में लगा लीजिए सर, कोई भी जवाब मिल जाए तो आप बताइएगा। आप एक मुद्दे पे ठहरिए, आपने कहा कि हम लिखित कथन भेजते हैं और रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाता, तो इसका प्रमाण क्या है? क्या आपने जाके आपकी फाइल देखी है सूचना आयोग में? आप देख सकते हैं, आपको अधिकार है आरटीआई में, उसकी कॉपी मांग सकते हैं, देखिए। अगर आपने स्पीड पोस्ट से अपना लिखित कथन भेजा है और उसका डिलीवरी स्टेटस आपने चेक कर लिया कि सूचना आयोग में 31 तारीख को डिलीवर हो गया, उसके बाद भी वो कागज आपके फाइल में नहीं लगा हो आपका लिखित कथन, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि मैंने भेजा था और इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। किसको शिकायत करेंगे सर? लेकिन पहले प्रमाण तो इकट्ठा करिए, यूं अपने अंदाजे से कह देने से कि वो उसको रिकॉर्ड पर नहीं देते। यहाँ उत्तर प्रदेश के और भी लोग हैं सर, उनसे भी पूछ लीजिए, ऐसे ही चल रहा है, मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, सभी भुक्तभोगी। नहीं शिवम जी थोड़ा सा रुकिए पहले, हाँ नरोत्तम शर्मा जी अपने आपको अनम्यूट करके ये बताइए कि जो बात आपने कही, अब यदि 60 लाख रुपए पे करने वाला वकील का आपके पास प्रमाण भी आ गया है तो आप इसको लेकर के यदि कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, तो हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक निर्णय होगा। और यदि हाई कोर्ट इस पर कह देता है ये विधि विरुद्ध है, ये गलत है, तो भविष्य में जितने भी या वर्तमान में जो लोग ये कर रहे हैं, जो पीआईओ इसका सहारा लेकर के ये कर रहे हैं, वकील लगा करके आयोगों में सुनवाई कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक नजीर पेश होगा इसमें।
सर ये ठीक रहेगा ना इनका, ये कोर्ट में यदि जाए तो। आत्मदीप सर इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये जनहित याचिका भी भेज सकते हैं। हाँ, ये जनहित याचिका का भी एक अच्छा मामला है। और वैसे और दूसरा शर्मा जी ने धारा 20 की बात उठाई की शिकायत पे, तो वो तो अपील पे शिकायत दोनों पे लागू है धारा 20, उसमें कोई फर्क नहीं। इसमें मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ हाँ जी सर, इसमें ऐसा है कि जो शायद एक दो हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट है कि सरकारी खर्चे से वकील नहीं किया जा सकता या इस टाइप का, लेकिन एग्जैक्ट मुझे उसका नॉलेज नहीं है कौन सा जजमेंट है। हाँ, तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक मुझे पता है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एडवोकेट्स कांट यूज इट फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब आरटीआई लगा नहीं सकता, इस तरह से बैन नहीं है क्योंकि एडवोकेट भी सिटीजन होता है तो आरटीआई तो लगा ही सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ही कांट, जो उन्होंने कहा तमिलनाडु हाईकोर्ट ने, उन्होंने ये कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने कि ये दे कांट यूज इट फॉर फर्दरेंस ऑफ देयर प्रोफेशन, मतलब अपने प्रोफेशन के एडवांसमेंट के लिए आरटीआई एक्ट को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होता है कि जब स्वयं कोई ये करता है परव्यू अपने केस की तो उसको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है, जबकि मुझे डाउट है कि कोई भी आयोग कभी किसी एडवोकेट को प्रभावित व्यक्ति मानेगा, क्योंकि एडवोकेट को प्रभावित या कॉम्पेंसेशन में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यदि आवेदक स्वयं ही लगाए तो कॉम्पेंसेशन का जो 1960 में उसका क्लेम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, पुख्ता बनता है, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहूंगा अगर अनुमति हो तो। जी अग्रवाल जी। हाँ जी सर, मेरा इसमें मानना है कि जन सूचना अधिकारी और वकील के बीच का जो संबंध होता है, सबसे पहला संबंध ये होता है कि वकील को वो अपॉइंट करेगा तो उसको अपनी अनुमति देगा और वो अनुमति वो आयोग में एटलीस्ट वो जमा करे। तो सबसे पहली बात, वो जो सहमति बनी है वो सहमति लोक प्राधिकरण के वकील के द्वारा बनी है कि उस पीआईओ के वकील के द्वारा बनी है, सबसे पहला सवाल किसी भी आवेदक या शिकायतकर्ता को ये खड़ा करना चाहिए, और उसने जो वकालतनामा है उसके तरफ से पेश किया है कि नहीं किया है उसको वो मांगना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी अपीलार्थी या शिकायतकर्ता का एक नॉर्मल राइट बन जाता है कि इसको पहले प्राप्त करे। दूसरा जो है ये खंडन करना कि वहां पे वकील की उपस्थिति हो या ना हो, इसका खंडन करने का राइट तो अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के पास मौजूद होता है, और वो इस बात पर भी वहां पर सवाल खड़े कर सकता है कि भाई वो किस हैसियत से वहां पर आया है, क्योंकि कोई भी मामला, अगर कोई भी मामला होता है वो मामला होता है लोक प्राधिकरण के विरुद्ध, जिसमें कार्यवाही जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी के बतौर होती है, लेकिन कोई भी आदेश जो आयोग पास करता है 1960 में वो लोक प्राधिकारी को पास करता है, तो ऐसी कंडीशन में लोक प्राधिकारी के लिए जो उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई है उसके लिए मौजूद होते हैं जन सूचना अधिकारी, और जन सूचना अधिकारी के पास अगर इतनी सक्षमता नहीं है तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की हम एक आपत्ति वहां पे दर्ज करा सकते हैं। तीसरी बात जो नरोत्तम साहब ने बोली कि शिकायत को अपील में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो एक्ट में प्रावधान दिया हुआ है 1909 में, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर मुद्दा यह है कि शिकायत में वो ऐसा विनिश्चय दे सकते हैं कि इस मामले को अपील की कार्यवाही में ली जाए, जिसके लिए 1909 का प्रावधान लिखा हुआ है, 1909 में ये प्रावधान है। अगर आप चाहें तो साथियों को मैं बता भी सकता हूं 1909 का वो प्रावधान, द कमीशन हैज द केस मे बी शैल गिव नोटिस ऑफ डिसीजन इंक्लूडिंग एनी राइट टू अपील टू द कंप्लेनेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी, मतलब शिकायतकर्ता और पब्लिक अथॉरिटी दोनों को अपील के लिए उसको अधिकार है कि उसको नोटिस दे सकता है। तो कंप्लेनेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स वो सेक्शन 18 पर अगर आपको 18(1) की शिकायत सुन रहा है तब वो ऐसा कर पाएगा। और नरोत्तम साहब, अगर आपके मामले में शिकायत का विषय है, अगर आपने आपके ग्राउंड 18(1) के अंदर में है और आपने 18(2) में इस बात को प्रूफ किया हुआ है कि 18(1) के मामले की सुनवाई हो, तो 18(3) में ही वो जांच करेगी आयोग, उसका कोई राइट नहीं है कि वो उसको अपील में कन्वर्ट कर दे। हाँ, अगर कोई सूचना से रिलेटेड ऐसी कोई रिलीफ आपको अपील में मिल सकती है तो भले। नरोत्तम शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देवेंद्र जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। जी इसमें जो देवेंद्र जी भाई ने अभी जो बात कही, देखिए इसमें आरटीआई एक्ट बड़ा सिंपल एक्ट है और नॉर्मली ये होता है कि केवल अथॉरिटी चाहिए होती है, तो जहां पर दोनों पार्टी है, चाहे वो एप्लीकेंट या एपेलेंट या कंप्लेनेंट हो या फिर वो पीआईओ हो, तो उनके तरफ से जो भी आता है आयोग उसमें ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि वो अथॉरिटी लेटर डिमांड कर लेता है। अथॉरिटी लेटर यदि मिल गया तो वो किसी को भी प्रतिनिधित्व करने की अनुमति वो दे देता है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा एक्ट है।
दूसरी बात जो रही लीगल एक्सपेंसेस की, तो इसमें उत्तराखंड में एक प्रकरण हुआ था जो बताता हूँ कि इसमें यहाँ के आरटीआई क्लब ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था उत्तराखंड सूचना आयोग पे कि आपके जो आयोग के जो विधिक एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है और आयोग को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा सबसे पहला जो शिव शंभू वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट का केस था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि कोई भी कोर्ट का निर्णय चैलेंज किया जाता है तो उस कोर्ट को या कमीशन को पार्टी नहीं बनाया जाता, तो आयोग को पक्षकार क्यों बनाया जाता है। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि जो वसूली के लिए, मतलब जो जुर्माने की वसूली के लिए आयोग ने एडवोकेट एंगेज किया गया था, फाइंडिंग ये थी आरटीआई में कि दे आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट अमाउंट दे हैव टू रिकवर फ्रॉम द पीआईओस, तो इसलिए फिर उन्होंने पैरवी करना ही बंद कर दिया। उनका कहना यह था कि भाई जो भी अपेलेंट या जो कंप्लेनेंट है उसको कोर्ट में यदि वो जाता है तो कोर्ट में वो हमको पार्टी बना देता है, तो हमको उसकी पैरवी करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने केस की पैरवी करे, वो अपने वकील भी नहीं बनाते हैं ना ही वो जवाब देते हैं। तो उनका कहना है कि भाई कोर्ट को निरस्त करना है तो निरस्त करे, हमको जो कहना था हमने अपने अंतिम आदेश में कह दिया है, अब वो चैलेंज होता है तो कोर्ट का जो भी ऑर्डर है हम उसका अनुपालन करेंगे। तो उसमें आयोग ने जो है उसने पैरवी करना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो लीगल एक्सपेंस था आयोग का वो स्वयं इतना ज्यादा था कि जितना वसूली करना है उससे ज्यादा उनका लीगल एक्सपेंस हो रहा था, इस तरह से ये पॉइंट आउट किया गया था। तो आयोग का विधि अधिकारी होता है लेकिन वो हर एक केस में वो पैरवी करना वो जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनका यही मानना है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा एक केस जो कर्नाटक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वाला सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसमें भी आयोग सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे आपत्ति उठाई थी कि ये केस इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने क्यों कर दिया, और उसमें जो जो कॉस्ट इम्पोज की गई थी वो आयोग पर की गई थी, कमीशन पे, कर्नाटक इन्फॉर्मेशन कमीशन पे, क्योंकि उन्होंने उसको ईगो इशू माना था। तो ये आयोग को पक्षकार बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया चाहिए, ये मेरे ख्याल से एक विधिक प्रश्न है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है वीरेन जी, अपन इस डिस्कशन को थोड़ा सा यहीं पे विराम देंगे और मेन अपन टॉपिक पे लौटेंगे। हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी है, सादर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, एक बार बात करने देते जी। देवेंद्र जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि नरोत्तम शर्मा जी इस जगह बिल्कुल राइट सही है कि जो उनके जो वकील का जो है, अगर पीआईओ के बीच में, देखिए सीधी सी बात, अगर लोक प्राधिकारी उसका फीस दे रहा है वकील का, तो इसकी प्रावधान की व्यवस्था भी वो नहीं कर सकता, और अगर पीआईओ भी दे रहा है तो पीआईओ उस भार को नहीं उठा सकता, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो पीआईओ को इस पूरे एक्ट में अपील में जाने का राइट्स कहीं पर वो नहीं दिया हुआ है कि पीआईओ अपील जाके करे आयोग में या वो प्रथम अपील करे, क्योंकि आचरण जो संहिता होती है कि कोई भी अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के उसमें विरुद्ध फैसले के विरुद्ध नहीं जाता है, इस बात को तो ठक्कर साहब भी एग्री कर रहे हैं, तो दैट मींस वो वकील को अपॉइंट कर ही किस बेस पे सकता है और उसकी फीस। हालांकि उसमें एडवोकेट ताराचंद जी का मानना अलग है, उनका कहना है कि दोनों पक्ष समान होते हैं और उन्होंने बोला कि शायद कोई निर्णय उनके पास ऐसा है कि जहाँ पे फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के निर्णय को पीआईओ चैलेंज कर सकता है, लेकिन आई डोंट एग्री विथ हिम, मैंने उनसे ये कहा था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि जो अपील का प्रावधान है 19(3) का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अपेलेंट जो है वही कर सकता है, इसका मतलब है कि पीआईओ अपने अपीलीय अधिकारी के ऑर्डर को खुद चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। नहीं, एक अपवाद है इसमें मेरे हिसाब से, अगर पेनल्टी उस पे लगी है तो मेरे हिसाब से वो अपील अगर रिट फाइल करता है कोर्ट में तो अपना वकील रख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर वो कोर्ट में होगा ना, आयोग में निर्णय के लिए? आयोग में नहीं, आयोग में नहीं सर, यहाँ पे आयोग की चर्चा हो रही है, नरोत्तम शर्मा की बात कर रहे हैं कि आयोग में कोई लेकिन अपने अपील में अपने पक्ष रखने के लिए वो विभागी उससे फीस देता है रेवेन्यू से, तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं है? मैं तो ये बस इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ भाई, ये गबन है कि नहीं भ्रष्टाचार का? 60 लाख का गमन है, इस गमन के खिलाफ हमने वो किया हुआ है, लोकायुक्त में भी अपील डाली है, तो अभी लोकायुक्त ने उस पर विचार नहीं किया है, वो करेंगे। तो मैं तो बस सिर्फ ये, शैलेश गांधी जी हैं और भी हमारे तमाम वरिष्ठ साथी हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा क्या ये भ्रष्टाचार का गमन है कि नहीं है, या भ्रष्टाचार इसमें है कि नहीं? विभाग ने फीस किसने दी है? विभाग ने दी है, नगर निगम आगरा ने पे की है अपने उससे, और नगर निगम आगरा ने जो पे की है क्या उसकी उसमें कंसल्टेंसी के लिए लिखा है कि आप आरटीआई में, आयोग में या कहीं पे खड़े हो रहे हैं उस चीज के लिए फीस पे कर रहा है?
हो सकता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कोर्ट में उन्होंने आरटीआई में ये जवाब दिया है कि शैलेंद्र चौहान को उसमें प्रेजेंट होने के लिए विभिन्न केसों में हमने इतनी 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 फीस दी है, मतलब आयोग में खड़े होने के लिए, सूचना आयोग में। आयोग में खड़े, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जब वकालतनामा लगाने का आयोग में प्रोविजन नहीं है तो इसे किस आधार पर वकील को विध व्यवसायी को चुना जाता है भाई, ये कोर्ट तो है नहीं आयोग, आयोग तो अलग बॉडी है और इसमें इसका वकालतनामा भी नहीं लग सकता है, तो ये विध व्यवसायी को किस तरह से प्रेजेंट कराते हैं हमारे आयुक्त महोदय या आयोग। तो मैं ये माननीय शैलेश गांधी जी से और भी हमारे जो साथी हैं सीनियर उनसे मेरी राय ये है कि दोनों पक्ष जी लॉयर हो या दोस्त हो या सहभागी हो उसको रिप्रेजेंट करने को ला सकते हैं और आर्ग्यू करने को ला सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी जब लॉयर को रखती है वो इलीगल है या लीगल है वो अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, बट जहां तक आयोग की बात है मेरे हिसाब से दोनों पक्ष वकील को भी रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भी रख सकते हैं, उसमें कोई बाधा आरटीआई एक्ट में नहीं है। विभाग ये मानना है और देखिए पेमेंट ऐसा होता है नरोत्तम शर्मा जी, ये बात अलग है, नरोत्तम शर्मा जी ले सकता है, ये आरटीआई से लागू नहीं है। देखिए नरोत्तम शर्मा जी मेरा भी ये मानना है कि दोनों विभाग जो है ये अपने एडवोकेट रख सकते हैं, उसमें कोई बाधा एक्ट में या किसी भी तरह से नहीं है। दूसरी बात जो केवल इसमें एक बात आती है कि जो वकालतनामा नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवोकेट तो लीगल ओपिनियन के भी फीस ले लेता है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में इस तरह की कोई रोक है नहीं, तो केवल अपना ओपिनियन भी विभाग को दे देगा फीस, वो उसकी भी ले सकता है, एंड दैट इज परफेक्टली लीगल, उसमें कोई भी चीज इलीगल नहीं है, है ना, क्योंकि एडवोकेट के प्रैक्टिस में पैरालीगल वर्क के भी पैसे ले सकता है, वो तो कोई ड्राफ्ट कर देता है आरटीआई एप्लीकेशन वो पैसे उसके भी ले सकता है, तो कानून में इस तरह की कोई रोक नहीं है, तो इसलिए ये क्रिमिनल लॉ के दायरे में कैसे आएगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, है ना। तो इसलिए मैं शैलेश गांधी साहब की बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा हूं। शैलेश सर हेलो, रुकिए नरोत्तम जी, शैलेश सर नरोत्तम शर्मा का इनका ये है कि आगरा नगर निगम ने एक किसी वकील को 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए 2 साल में पे किए, किसके लिए, सूचना आयोग में वो नगर निगम का केस लड़े, नगर निगम का पक्ष रखें 60 लाख रुपए और वो गवर्नमेंट का पे हुआ है, तो क्या ये उचित है, मतलब 60 लाख का अमाउंट यदि आप देखिए 60 लाख का अमाउंट, तो जितनी आरटीआई इनके आगरा नगर निगम में लगी होगी जहां तक मेरा इंट्यूशन कहता है 2 साल में जितनी आरटीआई लगी है, तो पूरी आरटीआई की जानकारी पब्लिक कर दी जाती, पोर्टल में डाल दी जाती, मतलब किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगाते हुए पब्लिक पोर्टल पर डाल दी जाती है और सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है आवेदक को बिना किसी पेमेंट लिए हुए, तो भी वो 60 लाख की हमारे ख्याल से नहीं होती, 60 लाख उन्होंने वकील को पे कर दिए, तो ये क्या उचित है और वो भी पब्लिक मनी जा रही है। वो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आरटीआई से लागू नहीं होता है, ये प्रश्न लीगल है या ये खर्चा लीगल है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, वो अलग की बात है। जब आरटीआई की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से आरटीआई के कानून के दायरे में रह के हमें बात करनी चाहिए, उसका औचित्य अलग फील हो जाता है, ऐसा मेरा मानना। हाँ, तो नरोत्तम शर्मा जी को हमारे ख्याल से सबसे बेहतर सजेशन होगा कि इस मामले को लेकर के भी हाई कोर्ट चले जाए और हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करें, तो शायद एक अच्छा डायरेक्शन भी आ जाए जो सभी के लिए एक नजीर भी बन जाएगा। तो नरोत्तम शर्मा जी इस मामले को लेकर के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट तो मैं जा ही रहा हूँ, मैंने रिट की तैयारी कर ली है, एक्चुअल में 2 मैटरों में हाई कोर्ट जा रहा हूँ मैं, और इसीलिए आप लोगों से मैं राय लेना चाहता था कि कोई इस प्रकार का पिछला कोई किसी कोर्ट का आदेश हो तो उसके मुझे किसी के पास डायरेक्शंस हो मिल जाएं या इस प्रकार की कि क्या हम विभागी धन से या जनता के धन से पीआईओ के बदले में वकील के प्रेजेंट होने पे जो पैसा दिया गया है वो सरकारी गमन है कि नहीं, बस मैं तो 2 पॉइंटों को वहां प्रदर्शित करना चाहता हूं। अरे सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहिए सर, कहिए। मैं सर ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार अनुवाग 2 शासनादेश 1 जारी किया गया है और माननीय लुटावन राम का आदेश है, आरटीआई से प्राप्त है। मैंने 2-3 बार पत्र श्रीमान उपेती सर को मैंने लिखे हैं और अपील में भी मैंने कहा गया है मेरे द्वारा, जी जी, बसरते उसका अनुपालन नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट में मुझे कोई आज तक लेटर नहीं मिला। कल भी 6/6/2022 को पत्र इस संदर्भ में उन्हें डिस्पैच करा के आया हूँ मैं। क्या 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 लिखा है आपने?
हमने लिखा है कि विषय संदर्भ प्रशासनिक सुधार अनुभाग टू शासनादेश संख्या 02-43-2-2010 का शासनादेश 18 जनवरी 2010 का शासनादेश है ये जी जी जो 5-8-2015 के अनुसार सूचना प्राप्त की गई जी जी विषय प्रशासनिक सुधार अनुभाग टू के शासनादेशों के अनुपालन में पुरजोर अपील की गई है जी संदर्भ शासनादेशों के क्रम में बार बार पीठासीन कक्ष संख्या S6 में निवेदन किया गया और अपील सुनवाई में संगठन के चेयरमैन श्री बलराम सिंह के द्वारा भी 2 मई 2022 को भी अपील पंजीकरण संख्या 18-70-73-18-779-57 में प्रशासन सुधार के अनुपालन में निवेदन किया है तथा स्वयं मेरे द्वारा दिनांक 21-3-2022 को भी रजिस्ट्री डाक से अपील सुनवाई 31-3-2022 पंजीकरण संख्या 18-616 में शासनादेशों के अनुपालन में निवेदन किया गया है। देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग कोई जवाब नहीं देता है न राज्यपाल के यहाँ से कोई जवाब आता है लेकिन हम तो ये चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपन वो करते हैं मेन जो टॉपिक है मेरा बस नहीं सुनिए बाद में बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है लेंगे और ये आरटीआई का माहौल है ये लेंगे, उत्तर प्रदेश में सारे विभाग हर साल 30-40 लाख ऐसे ही वकीलों पे खर्च करके 50-50 करेंगे ठीक है इस विषय पर काफी डिस्कशन शुरू से होता आ रहा है 50 मिनट हो गए हमारा मतलब एक आध घंटे का समय है तो जो मेन इसका नहीं वो शासनादेश है किसी का वो नहीं कर रहे हम नहीं शासनादेश है उसका अनुपालन हो हमें किसी का विरोध थोड़ी करना है बिल्कुल ठीक है तो ठीक है सर। हाँ अब ये जो टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न है संजीव कौशिक जी यदि प्रथम अपील से संबंधित कोई प्रॉब्लम है यदि आपकी प्रथम या द्वितीय अपील से संबंधित तो आप लोग अपनी बात करें संजीव कौशिक जी हेलो हाँ आप आवाज आ रही है सर मेरी हाँ आवाज आ रही है सर मेरा ये प्रकरण था कि अलीगढ़ जिले में एक शराब कांड हुआ था तो मैंने इससे संबंधित एक सूचना मांगी थी डीएम कार्यालय से कि कितने लोगों की मृत्यु हुई उनकी संख्या बताई जाए और उन्होंने करीब 6 बार उसका अंतरण हो गया एसएसपी कार्यालय में और डीएम कार्यालय में दोनों जगह से ही मुझे सूचना नहीं मिली लास्ट में अभी 2 दिन पहले मेरे को प्रथम अपील अधिकारी द्वारा बुलाया गया और उन्होंने ये कह दिया कि आप फना डिपार्टमेंट से सूचना मांगिए हम सूचना नहीं दे सकते तो इस केस में जब मैं द्वितीय अपील करूं तो जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कार्यालय से बनाया जाएगा या एसएसपी कार्यालय से बनाया जाएगा क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन विभाग सूचना देगा शैलेश सर यहाँ पे प्रथम अपील के बाद द्वितीय सॉरी प्रथम अपील अधिकारी इनके कौन मेरे हिसाब से जिसने आपको कहा कि हम नहीं देंगे और कुछ कारण दिया है लीगल कारण दिया है कि नहीं दिया है नहीं सर कोई लीगल कारण नहीं दिया उन्होंने बोला कि आप एसएसपी ऑफिस जाइए वहां बात करिए जबकि 6 बार तो ये गलत है आप सेकंड अपील कीजिए और कहिए कि या तो पीआईओ को ट्रांसफर करना चाहिए आरटीआई एप्लीकेशन ये मेरा काम नहीं जी सर और बिना कारण नकारा गया है और अगर वो इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट थी तो वो ट्रांसफर करना पीआईओ की जिम्मेदारी थी ठीक सर वो लेकिन वो मना कर देते हैं वो मतलब थोड़ा हेकली दिखाते हैं कि हम नहीं कर सकते आप जाइए जहां कंप्लेंट करनी है वो मैं कमीशन को सेकंड अपील की मैं बात कर रहा हूं ठीक है सर ओके सर माननीय शैलेश जी ये जो साथी ने सवाल पूछा इसमें 6 बार अंतरण का भी मुद्दा नहीं थे 6 बार अंतरित करने के बाद हाथ खड़े किए गए राइट सर एक आरटीआई को क्या 6 बार अंतरित किया जाना चाहिए एक के बाद ये तो मतलब ऐसे हो गया कि आरटीआई आई तो फेंक दिया कहीं पे जिधर पहुंचेगा ये तो गलत है और मेरे हिसाब से सूचना आयोग को इसके सामने स्ट्रिक्ट पगले लेने चाहिए ठीक है आगे बढ़े नमस्कार सर सर मुझे था प्रथम अपील के विषय में हाँ सुनील सोनी जी थोड़ा सा इंतजार करिए अनुराधा जी कुछ पूछना चाह रही हैं अनुराधा जी बताइए सर मेरा ये जानना था मुझे कि बिजली विभाग से हमारे द्वारा किसी व्यावसायिक संस्थान की मीटर की जानकारी मांगी गई थी आप सुन पा रहे हैं मुझे हाँ जी हेलो हाँ जी सब सुन पा रहे हैं जी तो उन्होंने इस मीटर की जानकारी को एक व्यक्तिगत जानकारी बताकर नहीं दिया तो व्यावसायिक मीटर का ये जानकारी ये व्यक्तिगत कैसे हो सकती है नहीं नहीं हो सकती है
व्यक्ति नहीं है तो व्यक्तिगत कैसे होंगे? सर ये तो एक अखबार है, समाचार पत्र संस्थान है, जिसके बिजली मीटर की जानकारी लेना जहां तक मैं समझती हूँ जनता का अधिकार है। नहीं, बहुत सिंपल चीज है, कानून के हिसाब से जाइए। कानून व्यक्तिगत या पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करता है जी। ये नेचुरल पर्सन है ही नहीं, पर्सनल किसको कहेंगे, किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की जी। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है, देयरफॉर 820 अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या संस्थान से संबंधित जानकारी लेना आरटीआई के अंतर्गत नहीं होगा? देखिए, आरटीआई ये नहीं कहता कि क्या अंतर्गत है क्या नहीं है, उतना लिखा है, और मेरे हिसाब से इसको कोई एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होता है। वो 81J का सहारा ले रहे हैं, बट 81J तो कतई इसको अप्लाई नहीं होगा। मुझे इसके लिए प्रथम अपील में जाना चाहिए और ये मैं लिख सकती हूँ ना कि ये जानकारी व्यक्तिगत नहीं है? जरूर, आप चाहे तो मुझे ईमेल भेजिए, मैं आप या www.satyamevajayate.info पे जाइए, वहाँ आपको पूरा आर्गुमेंट मिल जाएगा 81J के खिलाफ। आगे बढ़े। रजी हसन जी बताइए। हाँ बताइए बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? Identity company is a not person but a considered as a legal identity. It's a legal identity, personal. Company personal, act है company act क्या होता है? Not a physical person but with a seal with a name, he is identified as an individual. है ना सर? तो उसको कोई definition देना पड़ेगा। I'm not saying कि आप जो बोल रहे बात सही है, मगर ये वो PIO शायद उस तरह से ले रहा है कि ये company मतलब एक identity, a legal identity शायद वो ऐसा कर रहा है। बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए पर्सनल के लिए। अगर इंग्लिश में कहूं तो व्यक्तिगत माहिती मतलब व्यक्ति तो होना चाहिए। आप कंपनी को व्यक्ति कहेंगे क्या? आप ये कहेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है राजी हसन जी, सुनील सोनी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर एक मिनट लूंगा बीच में। वो कहते हैं व्यवसायिक दक्षता प्रभावित हो रही है, एक शब्द और उसके नीचे लिखते हैं, इस पे हम उन्हें क्या जवाब दें जब उनसे इस तरह के उसमें वो मांगा जाता है? तो कहते हैं व्यवसायिक दक्षता प्रभावित हो रही है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। वो क्लॉज के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, व्यवसायिक कॉन्फिडेंशियलिटी एंड किसी का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो एग्जम्पशन लागू होगा। नहीं सर, वो दक्षता बोल रहे हैं, एफिशिएंसी मतलब 7-9 वाला मामला है। ये 7-9 वाला मामला है, सॉरी प्रशासनिक एफिशिएंसी बोले, दक्षता मराठी में दक्षता मतलब एफिशिएंसी होता है सर। ओ अच्छा, मैं सोचा कमर्शियल कॉन्फिडेंस। हां नहीं, वो 7-9 वाला लग रहा है मुझे मामला। नहीं फिर से कहिए। नमस्कार सर। नरोत्तम शर्मा जी, प्रशासन। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ वो उसमें ये लिख देते हैं व्यवसायिक दक्षता प्रभावित होगी, इसलिए हम इस सूचना का प्रकटन नहीं कर सकते। कोई सेक्शन कोट किया है? सेक्शन कोट नहीं कर रहे। व्यावसायिक दक्षता समझ गए, वो 8 की बात हो रही है, 8 के अंदर 81 क्या? हाँ 81 तो नहीं है, 81D ही है। जी 81D हो सकता है, ये 81D में हो सकता है, लेकिन उसमें सरकारी कार्यालयों के लिए व्यवसायिक दक्षता का कोई मतलब ही नहीं है भाई। व्यवसायिक दक्षता तो जब हम एंड किसी का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हर्ट होना चाहिए, किसी का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट इसमें आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा भी सुनने। हाँ सोनी जी बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मैंने इनकम टैक्स से कुछ जानकारी मांगी थी फर्जी खातों से संबंधित, जिसमें क्या है कि कुछ स्टॉक ब्रोकिंग माफिया है, उन्होंने किसी का फोटो किसी का साइन लेके कुछ डमी अकाउंट्स बनाए और उनमें ट्रांजैक्शन किया, और उन ट्रांजैक्शन के आधार पर इनकम टैक्स ने ह्यूज पेनल्टीज इम्पोज की है। तो
तो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि भी एक ही स्टॉक ब्रोकर है जिसके द्वारा ये काफी मात्रा में खाते खोले गए हैं, सारे के सारे डमी अकाउंट्स है, फर्जी है, इनका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, फोटो किसी का, साइन किसी का, फर्जी बैंक अकाउंट्स है। तो उन्होंने थर्ड पार्टी क्लोज देते हुए इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। इसमें एक अकाउंट मेरे से मिलता जुलता था, मुझे तो दे दिया, हालांकि उस अकाउंट में मेरा फोटो साइन नहीं है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कितना आपका टैक्स है, कितना पेनल्टी है, लेकिन जो बाकी अकाउंट थे उनके मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी क्लॉज में ये है कि भी मैंने उनको कहा फर्स्ट अपील में कि भी अगर आप थर्ड पार्टी के बेस पे डिनाई कर रहे हो तो आप थर्ड पार्टी से कंसर्न तो लो कम से कम कि ये आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन है, उसको दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन फर्स्ट अपील में भी खारिज कर दी गई। अब मेरी सेकेंड अपील है जिसकी सुनवाई 22 तारीख को है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? क्या थर्ड पार्टी का जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उस बेस पे वो डिनाई कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, बताएं सर? नहीं, थर्ड पार्टी एग्जेम्प्शन ही नहीं। थर्ड पार्टी एक प्रोसीजर है जहां थर्ड पार्टी को पूछना चाहिए, थर्ड पार्टी अगर कहेगा मत दो तो उसे कुछ कारण बताने चाहिए और पीआईओ को नक्की करना है कि वो एग्जेम्प्शन लागू होता है या नहीं लागू होता है। नहीं, थर्ड पार्टी है ही नहीं क्योंकि डमी अकाउंट्स है सर, ये डमी अकाउंट्स। तो थर्ड पार्टी कह के एक गलत तरह से कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एग्जेम्प्शन नहीं है, थर्ड पार्टी होने से इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती नहीं है। तो अब जैसे 22 तारीख को, इसी 22 जून को मेरी सेकंड अपील है ऑनलाइन, तो मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, थोड़ी राय देंगे? यही कहिए कि थर्ड पार्टी क्लॉज जो है सेक्शन 11 वो एग्जेम्प्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, एग्जेम्प्शन हो तभी आप मना कर सकते हो, थर्ड पार्टी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करके अगर थर्ड पार्टी मना करती है और उसके कारण बताती तो पीआईओ को तय करना होता कि कौन सा एग्जेम्प्शन लागू होता है। जैसे आप बता रहे हैं यहाँ तो थर्ड पार्टी नहीं है, ये सरासर गलत है। ठीक है राजी हसन जी। जी सर, सभी माननीय बंधु को मेरा नमस्कार। मेरा एक ही सवाल था सर, सेहत तो अभी ठीक है, हमारा ठीक हो गया है पहले से। मुख्य सूचना आयोग में 4 बार सुनवाई हुई है और अभी शो कॉज नोटिस किया गया कि कारण बताइए कि आप इतना लेट सूचना क्यों दी। ये 4 सुनवाई के बाद भी ये कारण पूछा जाता है? सुनवाई हुई है, 2 साल बाद सूचना मिली है मुझे। आप प्रदीप जी अपनी राय नहीं मेरे ख्याल से। जी सर, मैं सजेस्ट कर रहा था आत्मदीप जी आपको जवाब दें। जी सर, आपसे पूछ रहे हैं सर। नहीं देखिए, 4 सुनवाई मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। हो गई वो लास्ट सुनवाई में, जब भी कमीशन ये नतीजे पे आए कि अनरीजनेबली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई या डिले किया गया, तब उसको शो कॉज देना होता है। अब ये आपके मामले में तीसरे में समझ में आया या दूसरे में समझ में आया, पहले में या चौथे में? अगर चौथे में ही समझ में आया तो शो कॉज चौथे में लगेगा। जी सर, 3 सुनवाई में सूचना दे दी गई, तो गलत सूचना दी गई है, लेकिन अभी मेरे पास चिट्ठी आया हुआ है कि आपसे पूछा जा रहा है इतना लेट क्यों, 25,000 रुपया फाइन क्यों नहीं लगाया जाए, इसका कारण बताए, नहीं तो फाइन लगेगा। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, जब भी कमीशन को ये महसूस हो कि अनरीजनेबली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो डिटरमिन करना कमीशन का काम है। जी सर, अगर 4 सुनवाई में, 4थी सुनवाई में या 3री सुनवाई में ऐसा कमीशन को महसूस हुआ कि ये अनरीजनेबली डिनाई किया गया है, तो उसके बाद ही वो शो कॉज दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शो कॉज दे रहा है, उसको फाइन लगाने के पहले यदि कोई मतलब उनको जुर्माना लगाना है तो वो कारण बताओ नोटिस। एक में तो झूठा सूचना दिया गया है, यानी कि मेरे स्क्रिप्ट चलाया जा रहा तो 2 साल के बाद सूचना प्राप्त हुई है और उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है, यानी झूठे सूचना के बाद भी पूछा जा रहा है कि आप ये बताए सूचना के बाद। वो पूछना जरूरी है। अभी पहले में उनको ये महसूस हुआ कि गलत है इन्फॉर्मेशन, ये मैं नहीं जानता हूँ। जी सर, अगर मानने की 3 हियरिंग लॉजिकल थे मेरे हिसाब से, तो मैं कहा वैसे ये 3-4 हियरिंग्स ही मेरी समझ में नहीं आते, क्यों ये 3-4 हियरिंग्स करते हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। 95% केस में एक हियरिंग से ऊपर होने की जरूरत ही नहीं है। 4-4 सुनवाई होता है सर, हमको पटना जाना पड़ता है, उस पर से
मेरे हिसाब से गलत है ये कमीशन। इसके लिए नीतीश जी को कहिए कमिश्नर्स अच्छे सिलेक्ट करें। सर माननीय सवाल ये भी उठता है कि जब प्रेस्क्राइब टाइम दिया गया पहले नोटिस में कि इतने दिन में इसका अपील का रिस्पोंड कीजिए, और जब रिस्पोंड नहीं किया गया तो उस टाइम के बाहर जब जवाब आएगा तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 यहां आके खड़ी हो जाएगी, और आपको उस टाइम के भीतर जवाब नहीं देने के बाद एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले कि डिले क्यों हुई, और तब डिले कंडोन होगी, और उसके बाद ही कोई कागज किसी प्रोसीडिंग में पढ़ा जा सकता है। कानूनी स्थिति यह है कि जब पहले नोटिस का टाइम निकल गया और उसके बाद जवाब नहीं दिया तो कोई भी प्रोसीडिंग में फर्दर कोई भी आने वाला एक्सप्लेनेशन पहले डिले कंडोन के ऊपर आर्ग्यूमेंट या उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के बाद ही एडमिट किया जा सकता, उसके बिना नहीं किया जा सकता। और इस अब्सेंस में इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान देश के कानून की हत्या कर रहे हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब क्या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मामले में नहीं है, दो दो मामले में, पुलिस विभाग है और नगर निगम है। जिस योजना को साल भर में खत्म हो जाना चाहिए, पांच पांच साल लग गए योजना में, अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। मैं बीच में डिस्टर्ब, अभी इसे सतर्कता अधिकारी के पास एक बार डालो या रिव्यू डालो, क्योंकि नियमावली 15 में रिव्यू का वो है, आप रिव्यू में पहले अपना पक्ष रखें या सतर्कता अधिकारी को लिखें, उसके बाद कोर्ट जाएं, क्योंकि एक अभी यहाँ पर स्टेज है जो नियमावली उत्तर प्रदेश नियमावली 15 है, उसमें प्रोसेस है कि आप अपने केस का रिव्यू डाल सकते हैं और या सतर्कता अधिकारी के यहाँ जा सकते हैं, तो उसमें आप पहले ये लें नियमावली 15 के हिसाब से सेकंड राउंड का कोर्ट जाएं। ये बिहार का मामला है सर। अच्छा बिहार का, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार का नहीं। अच्छा बिहार में रिव्यू वाला भी नहीं है फिलहाल, और अच्छा भी एक रिव्यू वाला नहीं, आप सीधे हाई कोर्ट चले जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप जिस तरह से बता रहे हैं विशेषज्ञ गण की भाई क्या है कि दो साल बाद तो कारण बताओ नोटिस नहीं होता है, वो तो सुनवाई प्रथम सुनवाई में ही होता है, तो चार सुनवाई होने के बाद कारण पूछा जा रहा है, गलत है वो पहले होना चाहिए, तो पहले आते ही नहीं है हम ही लोग को, कारण बताओ नोटिस का फंडा सीधा सा ये है कि जब आपकी अपील, वैसे भी समय पर तो सुनवाई होती नहीं है, दो तीन साल बाद जब आपकी अपील की सुनवाई हमारी होती है, तो पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है केस को स्टडी करने के बाद, या मान लीजिए नहीं भी किया गया, नहीं स्टडी किया, तो सिर्फ इस आधार पर नोटिस दी जाती कि आपकी सुनवाई ये है, तो पहले में ही स्पष्ट हो जाता है कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ी थी, क्यों जानकारी नहीं थी, गलत जानकारी थी, और फिर आपको पहला छोड़ दिया तो सेकंड में इनको जारी करना चाहिए कारण बताओ नोटिस, लेकिन चार सुनवाई होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। जिस तरह से आपने भी सर इसमें आपका क्या कहना है, आपने भी तो बहुत सारी ऐसी सुनवाइयां की, आप लोग कारण बताओ नोटिस कब जारी करते हैं? देखिए धारा 19(8)(b) और धारा 20 के प्रावधान के बारे में, प्रावधान का बारे में ही किया जा सकता है, जब जिसको दोषी मानने का संदेह है कि ये दोषी हो सकता है उसको उसका पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाए दंडित करने से पूर्व, ये धारा 20 के तहत आवश्यक है। इसलिए ये नोटिस दिए बिना भी कुछ हमारे साथी सूचना आयुक्तों ने कुछ लोक प्राधिकारियों को दंडित कर दिया था, हाईकोर्ट ने उस मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया कि अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया, उसको एक कातिल को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, तो इस मामले में भी आरटी एक्ट में भी दंड देने से पहले किसी को भी आरोपित व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना शोकॉज नोटिस के जरिए ये अनिवार्य है कानूनी। ठीक है अब आगे बढ़े, तालेकर जी आपका क्या प्रश्न है? ये थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है करके हमको पीआईओ हमेशा बोलते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी है नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 11 में लिखा है कि अगर थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है करके आप पीआईओ देना नहीं चाहता है तो इसके उसके ऊपर एक बाइंडिंग है कि जो थर्ड पार्टी है उसको नोटिस दे दी जाए क्योंकि ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा है, देना है कि नहीं है, तो जवाब देगा वो देना है या नहीं देना है। अगर वो बोल रहा है नहीं देना है फिर भी इसको सोचना है कि इसका डिनाइल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या नहीं है, उसके बाद वो आंसर देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन कोई भी पीआईओ सेक्शन 11 के अंडर
नोटिस नहीं देता है, उसका रिप्लाई नहीं देता है, पहले ही आंसर में दे देता है कि थर्ड पार्टी है, नहीं दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर ये गलत है, ये सेक्शन एब्सोल्युटली गलत तरह से लगाया जा रहा है। सेक्शन 8 और 9 से ही इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, सेक्शन 11 से नहीं। सेक्शन 11 के वर्डिंग अगर आप केयरफुली देखें तो इट स्टार्ट्स व्हेन पीआर इंटेंड्स टू डिस्क्लोज। व्हेन कैन अ पीआर इंटेंड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन? व्हेन ही फील्स कि ये एग्जम नहीं है, इंफॉर्मेशन हाई है और ये एग्जम नहीं है, तभी वो इंटेंड टू डिस्क्लोज कर सकता है। तो वो थर्ड पार्टी को ये पूछता है कि भाई अगर कुछ मैं चूक रहा हूं तो थर्ड पार्टी बताए कि मेरे को ये हार्म होगा जो ये एग्जम्पशन में कवर्ड है। उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर पीआईओ को लगे कि उसका पहला निर्णय गलत था तब वो एग्जम्पशन कोर्ट करके डिनाई कर सकता है। सिर्फ सेक्शन 11 कह के कुछ मतलब ही नहीं है, इट्स अ प्रोसीजर। सेक्शन 11 एग्जम्पशन है ही नहीं, ये सरासर गलत है। बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है करके वो डिनाई करता है, डिनाई नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है पालेकर जी, यदि थर्ड पार्टी को आपने नोटिस दे भी दिया और 10 दिन के अंदर उसको जवाब देना होता है, थर्ड पार्टी ने कह दिया कि हाँ ये जानकारी मत दो, ये हमारी व्यक्तिगत है थर्ड पार्टी की, फिर भी पीआईओ का एक कॉमन सेंस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जानकारी दे कि ना दे। उसके डिनाई कर देने भर से नहीं होता है, थर्ड पार्टी के कह देने भर से नहीं होता है कि ये जानकारी मत दो हमारी जानकारी है। वो पीआईओ को देना या ना देना उसका मतलब सेंस बनता है कि वो दे जानकारी, वो तो एक औपचारिकता है कि पूछनी पड़ती है। तो बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो आप मांगते हैं थर्ड पार्टी से संबंधित होती है, और ऐसा थोड़ी ना कि थर्ड पार्टी की जो जानकारी है वो कोई भी जानकारी ना दी जाएगी, थर्ड पार्टी ने बोल दिया कि नहीं देना है, तो ऐसा नहीं। हमें लगता है कि शैलेश सर का भी यही कहना है। और थर्ड पार्टी को भी अपील करने का अधिकार है, अगर थर्ड पार्टी के ना बोलने से मना ही करना था तो कानून में ऐसा बेवकूफ जैसा सेक्शन रखने की जरूरत ही नहीं थी। एक पीआईओ को उसका ऑफिस का, उसका जो ऑफिस में पोस्टिंग हुआ है उसका ऑर्डर मांगा था तो बोला थर्ड पार्टी भी है और ये कमिश्नर ऑफिस से ले लो, मैं इधर से नहीं दे सकता है। दोनों तरफ से गैर कानूनी है, गैर कानूनी के लिए और क्या कहेंगे। यदि जानकारी उस कार्यालय में थी तो ये नहीं कह सकते, 6-3 का उपयोग नहीं कर सकते कि आप कमिश्नर के यहाँ से ले लो, जानकारी उनके कार्यालय में तो देना चाहिए। और थर्ड पार्टी से भी है तो जैसा कह रहे हैं सर कि सेक्शन 8 के अंतर्गत 8 और 9 के तहत वो जानकारी नहीं देने योग्य है, उस स्थिति के अलावा बाकी वो डिनाई नहीं कर सकते। सेक्शन एक्चुअली सेक्शन 4 के अंदर उसमें सब देना चाहिए और उसका खुद का ऑर्डर उसके खुद के ऑफिस में होना ही चाहिए ना, नहीं है कैसा उपलब्ध नहीं है बोलता हूँ। ऑर्डर उनके कॉपी होती है। अरुण जी आपकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि आपका वो जो है माइक वाला पोर्शन वो शो नहीं कर रहा है। आप एक बार लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करिए। हेलो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कृष्णा जी बताइए, कृष्णा जी आप अपने आप को अनम्यूट करके। आप लोगों से निवेदन है कि टॉपिक से जुड़ी हुई प्रश्नावली ही रखें, कि प्रथम अपील में कोई दिक्कत आ रही है कैसे करें, द्वितीय अपील में, ये सारी चीजें आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो अपन टॉपिक से ही फोकस रहेंगे। हाँ बताइए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से एक द्वितीय अपील में एक निर्णय आया कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी थी डिपार्टमेंट ने, तो उसने ये कहा है कि आप ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए आप सही प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, तो आप क्या मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा इसमें? नहीं, आप इसमें प्राइवेसी तय करना, आप इसमें क्या डीम्ड पीआईओ, आप इसमें थर्ड पार्टी थे क्या? आपकी जानकारी दे दी थी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए। वो सर इसमें मैं थर्ड, इनका नेटवर्क सही नहीं था। और आगे डब्लू घोष जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। डब्लू घोष जी सर, सभी का सर मेरा नमस्कार। हम सर झारखंड से जामताड़ा जिले से हूँ, हम एक बहुत गरीब परिवार से हूँ।
सर हम वीडियो कार्यालय में कोई मामले में आरटीआई लगाए हैं जनहित मामले में, फिर भी सर फास्ट अपील भी किए हैं, उसके बाद सर दो गो करके रिमाइंडर भी भेजे हैं, लेकिन सर फास्ट अपील अथॉरिटी ने कुछ निराकरण नहीं कर रहे हैं, इसके चलते सर हमको क्या करना है? फर्स्ट अपील में यदि आपका निराकरण नहीं हुआ है तो आप सेकंड अपील में जाएंगे। सर आयोग में तो हम लोग का कोई नहीं है, वहां पर तो जाना बेकार हो जाएगा, कोई नियुक्ति नहीं है। झारखंड से हैं आप? हाँ सर। हाँ झारखंड की स्थिति तो काफी चिंताजनक है। तो सर क्या करें यार, हर मामले में सर क्या है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम एक गरीब परिवार से हूँ, हर मामले में सर हाईकोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट पे दबाव डालिए, कुछ ना कुछ तो डब्ल्यू डी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में तो सर दबाव डाल रहे हैं, लगभग चारों तरफ सर आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो पत्र भेज रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी एक्शन नहीं ले रहा है। ऑपोजिशन पार्टी को साफ आंदोलन कीजिए। सर हम फास्ट अपील का क्या निराकरण हुआ है नहीं हुआ है, हम आरटीआई लगा कर की पूछ सकते हैं? हेलो, आप पूछ तो सकते हैं, उससे कुछ होगा नहीं सर। हेलो। हाँ सर, आयोग काम नहीं कर रहा है तो आप आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप आयोग जाना कौन सा हुआ? जब आपके अपील मौलिक अधिकारों का हनन यही हो गया तो आयोग उस पर क्या दंड लगाता है, हमें यह जवाब दे आयोग। आयोग कौन सा निराकरण करता है, बेवकूफ बना रहे पब्लिक को? जब आर्टिकल आपका आर्टिकल 19 का हनन यही हो गया आपके विभाग में जिले में, तो आप न्यायालय जाइए, वही जिले में क्यों जाएंगे हाईकोर्ट? आप वहां भी आप शिकायत कर सकते हैं, गलत आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। कहाँ से? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इस तरह से राजेंद्र सिंह जी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू घोष जी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मामला ले जाइए, शायद इनका सजेशन काम आ जाए और फिर अनुभव बाद में साझा करिएगा। धन्यवाद। झारखंड सूचना आयोग में नियुक्तियां ना होने का मामला जहां तक हमें ध्यान आता है झारखंड हाई कोर्ट में भी गया है और वहां से कुछ निर्देश भी जारी हुए हैं, झारखंड के साथ ही उस बारे में ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वहां 2 साल से आयोग खाली। हाँ, एक एके सिंह जी हैं झारखंड से, वो हमें लगता है काफी प्रारंभ से जुड़े आ रहे हैं, तो नियुक्तों का निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने, उसके बाद सरकार जहां तक हमारी जानकारी है। हाँ, सुनील खंडेलवाल जी भी हैं साथ झारखंड से जी। सर नियुक्ति इंस्ट्रक्शन दिया है पर उसमें कोई कार्रवाई हुआ नहीं अभी तक ना, उस पर सरकार ने जवाब फाइल किया है जहां तक हमें जानकारी है, वो जवाब शायद ये है कि चूंकि मध्य झारखंड विधानसभा में कोई मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए चयन समिति गठित नहीं हो सकती और बिना चयन समिति के नियुक्तियां हम नहीं कर सकते, ये मजबूरी बताइए राज्य सरकार ने झारखंड की। ठीक है, जबकि ये दलील सरासर गलत है, सूचना आयोगों का गठन के जो प्रावधान है धारा 15 है उसमें साफ लिखा है कि जहां विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता नहीं है जिस सदन में, वहां सबसे बड़े विपक्षी समूह के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाएगा, ये प्रावधान है, कोई भी सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसके नेता को कर सकता है। हाँ अरुण जी पूछिए अपना प्रश्न, आप अपने आप को अनम्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पूछिए पूछिए, नमस्कार। पास 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 में लगा करके बोलिए, आपकी आवाज काफी डाउन आ रही है, कम आ रही है। हाँ कम कम आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ ठीक है जी जी जी। सर एक प्रकरण था, एक कंपनी है सर इंदौर से, इन्होंने सर 20 लाख का जो है फ्रॉड किया था, इसके संबंध में मैंने सर 4 बार जो है एसपी महोदय को आवेदन दिया था जो कि उन्होंने थाने में भेज दिया था। उसके बाद सर मैंने डीएसपी क्राइम ब्रांच को भी सर एक आवेदन दिया था। थाने में सर इन्होंने जो है जाँच की है उसमें पूरा वो गलत निराकरण दे रहे हैं, तो मैंने सर उसको आरटीआई से मैंने जब जवाब मांगा तो सर आरटीआई में भी वो वही जवाब दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब जो तथ्यहीन है, जो मेरे एविडेंसेस है उसके जस्ट अपोजिट वो दे रहे हैं, वो कहते हैं मुझे लॉस हो गया है जबकि ऐसा नहीं है, कंपनी ने फ्रॉड करके अपने अकाउंट में पैसे डलवाए हैं।
तो सर मैंने उसकी अपील तो लगा दी है, जांच मतलब उसका जो जवाब आएगा सर वो भी सेम ही आएगा, मतलब क्योंकि वो दे ही नहीं रहे मुझे सही जवाब। तो मैंने सर उनसे ये भी कहा कि किस बेस पे आप कर रहे हैं, मुझे एविडेंसेस आप मतलब दिखाएं प्लीज, तो किस बेस पे आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मेरा जो है वो उसमें नुकसान हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये हम आपको दे नहीं सकते हैं, वो सेक्शन सर बता रहे हैं 8H और 8J, जबकि सर डीएसपी क्राइम में इसी शिकायत एक ही शिकायत में उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा है कि आपकी शिकायत सही है और इसमें एफआईआर होनी चाहिए। सर डीएसपी क्राइम से एक आवेदन मतलब आदेश भेजा गया था थाने के लिए कि इसमें आप एफआईआर दर्ज कीजिए, बट सर उसमें भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, बोला हम इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। मैंने सर आदेश की कॉपी सर थाने से ही मांगी कि मेरे को प्लीज जो आप आदेश प्राप्त हुआ है मेरे को वो दे दीजिए, उन्होंने कहा सर प्रकरण जांच में है हम आपको नहीं दे सकते हैं। मैंने सर डीएसपी क्राइम से मांगा कि सर आप ही दे दीजिए कम से कम, ताकि मैं एटलीस्ट कोर्ट में प्रेजेंट करके या फिर एसपी महोदय और आईजी महोदय को दिखा के आगे कार्रवाई कर सकूं। तो सर उनका कहना यह है आरटीआई से उन्होंने मेरे को बोला है कि हमने प्रकरण आपका थाने में भेज दिया, वहीं से जानकारी मांगे जो भी चाहिए। तो सर कुल मिला के कहीं से मुझे कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं, तो सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आरटीआई में भी सर ये कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, मतलब जानकारी गलत मेरे को लिख के दे रहे हैं, मतलब मुझे ही दोषी बता रहे हैं कि आपने ही लॉस कर दिया है। तो सर ये है प्रश्न करता है, कृपया यह स्पष्ट करें कि उन्होंने किससे क्या जानकारी मांगी जो नहीं दी गई। सर मैंने एक्चुअल में सर इन्होंने ये लिखा है इसमें कि आवेदक को सेबी द्वारा आवेदक का निराकरण कर दिया गया है और आवेदक को लॉस होने के वजह से मतलब आवेदक ने जो मैं हूँ मैंने लॉस कर दिया है और इसके लिए मतलब बार बार शिकायत की जाए ताकि इनको कंपनी पैसे दे दो, कंपनी को मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मतलब पुलिस ये निराकरण दे रही है मुझे। मैंने जब इनसे तथ्य मांगे हैं कि सर किस आधार पर आप लिख रहे हैं कि मुझे लॉस हो गया, क्योंकि मेरे बैंक स्टेटमेंट टोटली इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, उसमें सारा डेबिट कंपनी डायरेक्टली अकाउंट में दिखा रहा है और वो सेबी ने भी सर अपना ऑर्डर पास कर दिया इसमें इंटरिम ऑर्डर, कंपनी दोषी है, कंपनी सर फिलहाल सीज्ड है, कंपनी काम नहीं कर सकती है, बट फिर भी सर पुलिस मुझे गलत निराकरण मतलब रिटर्न में सर आरटीआई में भी दे रही है। जब मैं उनसे पूछा जानकारी क्या मांगी, वो उसका खुलासा करिए ना, जानकारी आपने क्या मांगी ये बताइए। मैंने सर ये मांगा कि किस बेस पे मतलब आप ये कह रहे हैं लॉस कैसे हुआ, आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुझे दिखाएं, तो वो नहीं दिखा रहे हैं एविडेंस, मतलब उनको किस बेस पे वो कर रहे हैं वो नहीं, देखिए देखिए आरटीआई में आपको ये चीजें वो नहीं देंगे कि मतलब यदि आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप उनसे ये पूछ सकते हैं जैसे आपने कहा कि उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने मांगी तो उन्होंने दिया कि नहीं दिया, चाहे भले ही उन्होंने झूठा इन्वेस्टिगेशन किया हो। नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं सर, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी है जो उन्होंने ऑफिस में केस की क्लोजर रिपोर्ट में दी हुई है, ठीक है ना, वो उन्होंने दे दिया आपको, वो उन्होंने हमें दे दी, उन्होंने जो भी किया है जो झूठा ही उन्होंने किया है वो दे दिया, तो वहां से वो बरी हो गए आरटीआई के दायरे में, दायरे से वो बरी हो गए क्योंकि उन्होंने जो भी जांच किया भले ही झूठा जांच किया वो दे दिया। लेकिन अब ये चीजें कि उन्होंने किस आधार पे की, ऐसा क्यों किया, वो प्रूफ, वो तो दूसरी शिकायत की बात है कि आप उसको शिकायत करके अपने तथ्य रख करके पुनः आप जांच करवा सकते हैं, लेकिन वो ये चीजें आरटीआई में नहीं देंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने झूठी जांच की, जो जांच झूठी की वो झूठा प्रतिवेदन आपको दे दिया, तो वो तो आरटीआई से क्लियर हो गए, वहां वो उनका आरटीआई का पूरा वो खत्म हो गया, वहां पे अपन उनको आरटीआई में नहीं घेर सकते हैं। अब सवाल यह है कि झूठा झूठा यहाँ पर जांच हुई, झूठा प्रतिवेदन दिया, उन्होंने तथ्य नहीं दिए, प्रूफ नहीं दिए, तो वो हम आप नहीं मांग सकते आरटीआई से कि आप इसके संबंध में तथ्य लाइए, इसके संबंध में प्रूफ लाइए, आपने कैसे किया, तो ये हमें लगता है कि इसमें आमदीप सर आपको और क्लियर बताएंगे, पर मेरा समझ तो इसमें यही कह रहा है अभी तक। जी सर, क्योंकि वो सर उनके रिकॉर्ड में ही होगा, तो रिकॉर्ड की तो सर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब जो भी उनका इन्फॉर्मेशन करके उन्होंने मतलब इन्वेस्टिगेशन किया होगा उस तो अपने फाइल्स में वो देंगे, कोर्ट में उन्होंने पेश कर दिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने शिकायत के बाद सर केस बंद कर दिया, मतलब उसमें आगे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो एफआईआर ही नहीं सर इसमें दर्ज कर रहे हैं वो। सर एसपी साहब को तत्काल आवेदन देते हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं सर, एफआईआर हो जाती तो फिर मैं नहीं ले सकता, मामला न्यायालय में, न्यायालय खुद ही संज्ञान ले लेता है सर, न्यायालय जाने के लिए ही तो सर मैं एविडेंसेस ले रहा हूँ कि ये मतलब किस आधार पर ये कह रहे हैं,
क्योंकि सर अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो अपने मतलब फाइल में कुछ तो लगाया होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट तो रखा ही होगा, वो तो मुझे दे सकते हैं। और सर ये सर पूछना चाह रहा था, जैसे एक आदेश भेजा गया है डीएसपी क्राइम साहब की तरफ से कि इसमें एफ आई आर दर्ज कीजिए, उन्होंने पाया कि जांच मतलब सही की उन्होंने और मेरी शिकायत सही है, तो कम से कम उस आदेश की कॉपी क्या मैं ले सकता हूँ आरटीआई के थ्रू? मतलब ये है वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी। उसको भी सर वो उसको भी सर वो 8A, H और J के तहत मना कर रहे हैं, बोले ये भी हम आपको नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, आपकी शिकायत है तो 818 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, आप तो स्वयं ही पार्टी हैं उसमें, आपने कंप्लेन की है, आप अपनी शिकायत पर पत्र, आपके शिकायत पर पत्र जारी हुआ, वो जानकारी मांग रहे हैं, उस पत्र की जानकारी मांग रहे हैं, तो इसमें 8 कहां से लागू हो गया, ये तो गलत है। आत्मदीप सर इसमें इनको अपील करना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सर, अपील तो सर मैंने ऑलरेडी लगा दी है, बट सर अपील में भी वो यही मेंशन करके देंगे सर, क्योंकि सर कम से कम सर 2 साल हो गए इस केस में, और सर अभी मैंने आरटीआई कम से कम सर मैंने 4 RTI लगा रखे हैं इसी। देखिए आप कोर्ट में भी केस करके और आपके प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्रतिवादी से मांग सकते हैं सर, कोर्ट बुला सकती है सारे दस्तावेज, आप जब कोर्ट यदि कुछ सुनवाई में आएगा तब आपका वकील की तरफ से ये डिमांड रखे हैं कि मुझे ये दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं सर, अपना प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराए जाएं जी। मैं आपको एक केस बताता हूं, इंटरेस्टिंग है, उत्तराखंड सूचना आयोग का, जिसमें ये था कि पीआईओ ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे के आधार पे विभागीय कार्रवाई की सूचना देने से मना कर दिया सर, तो उत्तराखंड सूचना आयोग ने उसमें ये निर्णय दिया था कि जो एप्लीकेंट है उसने तो ये मांगा है कि मेरे शिकायत पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, तो शिकायत पत्र पर क्या कार्रवाई हुई वो सूचना जो है वो मतलब गिरीश रामचंद्र देशपांडे से अलग है और वो सूचना उसको दी जाए, क्योंकि उसने जो अपने स्वयं के शिकायत के बारे में सूचना मांगी थी तो गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जो जजमेंट है वो इस मामले में लागू नहीं है, और इसलिए वो सूचना देने का आदेश उत्तराखंड सूचना आयोग ने एक केस में दिया था। तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट केस मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें आप ये करिए कि जो सर ने अभी बताया कि इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट आप अपना जो ये सूचना है ये मैंने अपने स्वयं के शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई वो मांगा है और उसकी विभागीय कार्रवाई जो है उसके बारे में सूचना नहीं मांगी है, ठीक है ना, ताकि वो 81 जैसे आच्छादित नहीं है, एग्जेम्पशन लागू नहीं है, इस तरह से आप उसमें पैरवी कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर, मतलब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ उसमें 81J लागू नहीं होती सर, ये कंक्लूजन वो नहीं है, पर्सनल ऐसा है केस टू केस होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि देखो टेस्ट केवल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं बोला है कि सूचना देना कि नहीं देना सर, वो ऐसा कि कंडीशनल है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया तो आपको मिलेंगी, दूसरे ने साबित नहीं किया उसको नहीं मिलेंगी, तो वो टेस्ट अप्लाई करना चाहिए हर एक केस में, उसमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये पब्लिक है ये प्राइवेट है, कि जब भी ये होता है तो पब्लिक क्या है प्राइवेट क्या है, और वो देना पर्सनल भी है तब भी दिया जा सकता है, पर्सनल देने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन जो टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है कि पब्लिक इंटरेस्ट उस सूचना में है या नहीं है, तो वो टेस्ट अप्लाई किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा है, और उसकी प्रोसीजर जो है वो पूरी प्रोसीजर जो है इंक्लूडिंग 19-2, 19-4, 19-2 और 19-4 थर्ड पार्टी को भी अपील का अधिकार होता है, तो वो जो प्रक्रिया है 11A की नोटिस वगैरह की वो पूरी प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इस मामले में तो ऑलरेडी इनकी जो कंपनी वगैरह है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो ये तो काफी पब्लिक इंटरेस्ट का ही मामला है, तो मुझे लगता है कि इनकी बात इसमें हां ये तो साबित कर सकते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा ना कि आपने एप्लीकेशन में नहीं भी दिया तो एट फर्स्ट और सेकंड अपेलेट स्टेज आप उसमें साबित कर सकते हैं। जी जी जी, आप लोग कृपया अपने नाम लिखा करें, मोबाइल के नाम से ठीक नहीं रहता है, आपका नाम क्या है? ओप्पो F15। हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम दीपक पवार है। दीपक पवार? यस सर। अच्छा दीपक पवार कहाँ से है? सर मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा नीमच मध्य प्रदेश से हैं। जी सर बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी 2019 में हुई थी सर, नीमच में ही हुई थी, मेरे ससुर जी CPW डिपार्टमेंट में थे, उनको किडनी की बीमारी थी सर, तो इस दौरान सर मैंने उनके मेडिकल बनवाए थे गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर से, और उनके डिपार्टमेंट में दिए थे, लेकिन सर उनकी वो शादी के 6 महीने बाद एक्सपायर हो गए, और जब उनको पैसा मिला सर तो उनको छुट्टियों का पूरा पैसा मिल गया, 200 दिन की छुट्टियों का 2 लाख रुपए समथिंग उनको मिल गया, और उसके बाद जब उनको पैसा मिला लगभग ग्रेजुएटी PF वगैरह सब मिला के 40 लाख के आसपास मिल गया, तो किसी ने मेरी वाइफ को ये सलाह दी कि आप अपने हस्बैंड को तलाक दे दो अगर,
तो आपको तलाकशुदा की पेंशन भी मिलेगी और आपको नौकरी भी मिल जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति भी जल्दी मिल जाएगी। तो सर मुझे अब मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना और ये सब झूठे आरोप लगा दिए गए हैं, और जबकि मेरी पत्नी जो है वो दत्तक पुत्री है, मतलब कि मेरे ससुर जी ने वो उसको दत्तक पुत्री ग्रहण किया था अपने बड़े भाई से। तो सर इसमें मैं सर उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वो गलत तरीके से सर तो अनुकंपा नियुक्ति लेना चाह रही है, उसने 200 दिन की छुट्टियों का पैसा भी गलत तरीके से ले लिया है 200 दिन का, और ऑफिस वालों ने भी इसमें, और उसने रिश्वत भी दी है सर। तो इसकी जांच कैसे करवाई जाए सर, किस प्रकार से सर आरटीआई से जानकारी मांगी जाए इंदौर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। आप नितिन सर आनंद जी हमें कह रहे हैं आप ही बोल दीजिए, इसमें कुछ हम तो समझ नहीं पाए कि ये मामला क्या है भाई। देखिए नहीं उनकी पहली बात तो पति पत्नियों के बीच का मामला है और मुझे इसका बिल्कुल अनुभव नहीं है, आप जानते हैं, तो इसलिए ये इन प्रश्नों का जो जवाब है आप ही लोग दे सकते हैं। ये अनुभव तो माननीय मोदी जी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के नाते वो सारी आधी आबादी को संभाल रहे हैं, तो नहीं बनता। तो देखिए भाई नीमच वाले, ये जो सीपीडब्ल्यूडी से जो 200 दिन की छुट्टियों का एनकैशमेंट ले लिया गया जो आप इलीगल मानते हो जी जी, तो इसकी तो आप सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं कि ये इस तरह से नियम विरुद्ध किया गया है ना जी जी। दूसरा लेकिन कुल मिला के ये सारी कार्रवाई आपकी प्रतिशोध स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना वगैरह के झूठे आरोप लगा दिए, तो बदले में आप भी उनको प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, मंशा कुल मिला के ये है, क्योंकि उससे 200 दिन का उस पैसा वापस भी हो गया तो आपको तो कोई फायदा नहीं होना है, बल्कि तलाक हो गया तो गुजारा भत्ता आप पे ज्यादा देने की बर्डन आ जाएगी, उधर उसका पिता वाला पक्ष कमजोर हुआ आर्थिक रूप से। यस सर यस सर, ठीक है ना, तो आप पे गुजारा भत्ता, यूं तो अभी आप ये केस चलेगा और जब वो गुजारा भत्ता निश्चित रूप से क्लेम करेगी तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति भी हो जाती, तो आप उसकी आय बता सकते हैं, उस तो वो दत्तक पुत्री है, उस नाते वारिस से पिता की, मृतक पिता की, तो उसको क्या क्या मिली है, उसके बाद इतनी संपत्ति, ये सब बता के आप गुजारा भत्ते के बाहर से बच सकते हैं, कम बाहर हो सकता है आप पे, लेकिन उसके ये सारे बेनिफिट आपने उसके हाथ से निकाल दिए शिकायतें कर कर, तो फिर गुजारा भत्ता देने के आपके ऊपर ही बर्डन आएगी। नहीं सर अभी सर मैं सिर्फ आगे से वो लेना चाह रहा हूँ जानकारी कि उसका जो उसकी जो छुट्टियों का पैसा है गलत तरीके से दे दिया गया है, उसकी जानकारी मुझे है सर। और दूसरी चीज ये कि सर मेरी जो पत्नी है वो उसको हिंदू अधिनियम 1956 के अंतर्गत वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उसको गोद नहीं लिया गया है, साधारण तरीके से लिया गया है, मतलब वो उनकी पुत्री है ही नहीं, और वो नियम के हिसाब से तो उनकी पुत्री हुई नहीं। हमें लगता है दीपक जी हमें लगता है कि हम लोग इस प्रश्न में उलझेंगे तो इसमें जवाब देने में भी दिक्कत होगी और हम उसको सेटिस्फाई भी आपको हम नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि आप किसी अच्छे वकील से, जो भी मतलब हाई कोर्ट लेवल के वकील हैं, थोड़ा सा उनसे आप मिल लीजिए, पूरा मामला आप उनको बता दीजिए, इसका निराकरण वो कर देंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं है सारी चीजें, फिर जो आरटीआई से संबंधित आपके प्रश्न रहे हैं उसको आप छांट लीजिए। बस सर वो आरटीआई मतलब सर ये है कि मैं सर्विस बुक की आरटीआई ले सकता हूँ क्या सर, ये पूछ रहा था, क्योंकि सर्विस बुक में जो नाम लगाया गया है वो मेरे ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद में लगाया गया है। ले सकते हैं आप सर्विस बुक की जानकारी, बस यस सर, उसमें आप हितग्राही पक्षकार हैं, उसका थोड़ा उल्लेख करें कि मुझे ये जानकारी के लिए चाहिए। जी सर ठीक है, थैंक यू, ठीक है आगे बढ़े। इस बारे में मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है इसी सर्विस बुक के मामले में। जी सर उसमें दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र कुमार जी आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, कृपया पूछिए आपका प्रश्न क्या है महेंद्र कुमार जी। हाँ जी सर, सबसे पहले सर सभी को नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन ताराचंद जी से है, सरदार ताराचंद जी से। सर ये जो 124A का सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है, क्योंकि मेरे मैंने भी शिकायत काफी सारी कैम स्कैनर की कर रखी है, आरटीआई से जो कैम स्कैनर मुझे मिला है, तो सर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, अब वो कंप्लेंट मेरी जीरो समझी जाए या उसको कंटिन्यूटी में रखूं, तो सर प्लीज इस बारे में थोड़ी सी गाइड करें। ताराचंद जी कार्यक्रम में हमें लगता है कि शुरू में जुड़े थे, इस समय तो नहीं है। ताराचंद जी हैं क्या, आप सुन पा रहे हैं ताराचंद जी?
वीरेंद्र कुमार जी जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सस्पेंड किया तो सस्पेंडेड का अर्थ यह है कि उसमें कोई सुनवाई नहीं लगेगी, कोई तारीख नहीं होंगे, फिर अंतिम फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार निर्णय होगा। अभी जो जो भी कार्रवाई चल रही लोअर कोर्ट में वो स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें 69 तो जो अपना आईटीएक्ट 69 है वो तो इसमें आएगा या नहीं आएगा? वो भी देखिए ऐसा है, वो होता है इंडिविजुअल मैजिस्ट्रेट होता है ना, उसका फैसला होता है कि जब एक से धारा लगी, एक से ज्यादा धाराएं जब लगती है या एक से ज्यादा आरोपी होते हैं तो उसका ट्रायल किस तरह से चलेगा, ये सब सीआरपीसी के मुताबिक जो ट्रायल जज है या मैजिस्ट्रेट है वो तय करता है। तो उसमें वो देख सकता है कि उस धारा के बिना ट्रायल आगे बढ़ सकता है क्या, तो फिर वो ट्रायल बढ़ा सकता है, क्योंकि केवल उस धारा से संबंधित कोई भी जो है वो कार्रवाई सस्पेंडेड रहेगी। और फिर ट्रायल ये होता है कि जब एक से ज्यादा धाराएं लगी है, एक से ज्यादा अपराध हुए हैं और एक से ज्यादा आरोपी है, तो ऐसे मामले में क्या करना वो मैजिस्ट्रेट टीआरपीसी के मुताबिक तय करता है। ठीक है सर। जी जी सर, थैंक यू। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। आगे बढ़ते, नरेश कुमार जी ने भी हैंड रेज किया हुआ। नरेश कुमार जी अपने अपना अनम्यूट करके प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नरेश कुमार जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा आप तमदी से एक क्वेश्चन है कि सर ने कहा था कि आप मेरी सेकंड अपील थी राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, उसकी मेरे को फाइल की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो मैंने आरटीआई भी लगाई तब भी नहीं मिली, फर्स्ट अपील में भी नहीं मिली, और पर्सनल जब गया तो मेरे साथ उल्टे सीधे सवाब किए गए रजिस्ट्रार के द्वारा। बोलो आप कौन हो, क्या हो, क्या लगते हम क्यों दें आपको सर्टिफाइड कॉपी? बोलो हमारा काम सर्टिफाइड कॉपी देने का नहीं है, हमारा काम दिलवाने का है और आप यहाँ से चलते बनो। अच्छा ठीक है, आदमदीप सर आपके प्रश्न का उत्तर। आपने सेकंड अपील की है इस मामले में? हाँ सेकंड अपील सर वो पेंडिंग है उस मामले की। हाँ तो उसमें आपके पक्ष में ही फैसला होना चाहिए, जो आरटीए के प्रावधान है उसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने केस से संबंधित समस्त दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना आयोग से भी और किसी भी कोर्ट से भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मामला है। हम जब सूचना आयुक्त थे तब हमने तो ये बल्कि कह रखा था कि किसी को आरटीए लगाने की जरूरत नहीं, अपनी फाइल के सारे कागजों को जिसको जो कॉपी चाहिए, क्या हमको लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया, अपील अधिकारी ने दिया, आपने अपीलार्थी ने भेजे, क्या क्या कागज फाइल में है नहीं है, तब आके निःशुल्क अपना अवलोकन करके फोटोकॉपी करा के ले जा सकते। ये तो आपका वैधानिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। वो गलत कह रहे हैं जो भी, बल्कि आपको मुख्य सूचना आयुक्त से मिलना चाहिए, रजिस्ट्रार ने आपको जो इलीगल बातें कही, एक तरह से थ्रेट भी किया, सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, इस सबको लेके आप मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता जी से मिलिए, उनको बताइए कि ये आपके नाक तले हो रहा है, जबकि ये तो पारदर्शिता का सबसे बड़ा मकाम होना चाहिए स्टेट के अंदर, सूचना आयोग वही इस तरह से सूचनाएं छिपाई जा रही, वो भी खुद अपीलार्थी से संबंधित सूचना है, कोई तीसरे पक्ष के बारे में वो नहीं मांग रहा है, खुद की फाइल ही उसको नहीं दी जा रही उसकी कॉपियां, ये कहाँ का न्याय है? उनको बताइए आप, वो इस तरह से लेंगे डीबी गुप्ता जी बहुत अच्छे। सर हाँ सर, इसमें एक चीज और भी है आदमदीप सर, इसमें एक चीज और भी है कि यदि सूचना आयोग में इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है, हालांकि इन चीजों का तो जवाब इनको लोक सूचना अधिकारी के द्वारा फर्स्ट पहले ही दे दिया जाना चाहिए, फर्स्ट अपील की नौबत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तो सेकंड अपील की नौबत आ गई है। तो हमें लगता है कि ये जो स्थितियाँ राजस्थान सूचना आयोग में चल रही हैं, जिसमें द्वितीय अपील में लोगों को जाना पड़ रहा है और रजिस्ट्रार इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें ये है कि जो सूचना आयुक्त हैं स्वयं ही अनकंट्रोल्ड हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनका विभाग पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है और उनके दायरे में नहीं आ रहा है, तो ये एक इसका एक मैसेज जाता है जो बहुत क्लियर मैसेज है, ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। देखिए शिवानंद जी, सूचना आयोग में जो प्रथम आरटीआई लगती है और प्रथम अपील लगती है, इसकी जानकारी सूचना आयुक्त को नहीं होती है, ना सूचना आयुक्त से पूछ के अपील अधिकारी जवाब देता है, निर्णय करता है, ना लोक सूचना अधिकारी, वो अपने विवेक से फैसला करते हैं। तो प्रथम अपील तक क्या हुआ रजिस्ट्रार लेवल तक, उसकी संबंधित सूचना आयुक्त को कोई जानकारी नहीं होगी, उसकी जानकारी में इनको लाना चाहिए, बिना अपील किए भी ये ला सकते हैं, हो सकता है इनका वैसे ही काम बन जाए, सूचना आयुक्त खुद फाइल मंगा के कह दें कि ये लीजिए इसकी फोटो। ठीक है नरेश कुमार जी, आप जैसे माननीय सर कह रहे हैं, आदमदीप सर आप उनके संज्ञान में ले आइए गुप्ता जी के, और उनको ये भी बताइए थोड़ा सा, आप लोग 2-4-6 लोग आपस में मिल करके उनसे समय लीजिए और मुलाकात करके उनको बोलिए कि न केवल मेरे प्रकरण की बल्कि इन जनरल सभी प्रकरणों की जिस प्रकार से वो समीक्षा करते हैं और जाते हैं लोगों के हर जिले में, और इस तरह से वो बोलते हैं डीएम को या कमिश्नर को कि आप लोग आरटीआई तरीके से डील करो, प्रथम अपील सही तरीके से डील करो ताकि हमारे पास मैटर ना आए, ठीक वैसे ही
वही प्रक्रिया वो अपने सूचना आयोग में भी लागू करवाएं और लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार जो भी हैं सभी उनके जो कनिष्ठ हैं उनको वो एक मैसेज दें कि ऐसी स्थितियां भविष्य में निर्मित ना हो। आप लोग ऐसे मत करिए सिर्फ अपने ही प्रकरण को लेकर के नहीं जिस तरह से आ रही है। तो योगानंद जी देखिए लोक सूचना आयोग में भी जो लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, उनकी मानसिकता गवर्नमेंट सर्वेंट वाली होती है, सूचना आयोग वाली मानसिकता सूचना आयुक्त वाली मानसिकता उनकी नहीं होती, इसलिए संबंधित सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के ध्यान में सारा मामला लाना चाहिए बिना सेकंड अपील के भी इनका काम हो जाता है, क्योंकि सेकंड अपील करेंगे तो उसमें लंबा समय लगेगा सुनवाई में नंबर आने में, फिर इनका खर्चा होगा। उसके बाद जो फर्स्ट अपीलेट अप्लाई थे ना मैंने उनके पास भी गया, मैं बोलो मैडम आपने फलानी फलानी तारीख को डिसीजन दिया था कि वो डिसीजन आपने कल दिया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली और आप एरोपीआई ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप मेरे को प्रूफ दिखाओ। ठीक है बोलो जी क्यों दिखाया हम आपको प्रूफ, बोलो आप ऐसे कितने कितने आते हैं यहाँ पे, और बोलो मैंने दो मिनट आपसे क्या बात कर ली आप। चलिए चलिए ठीक है वो सब अपन ज्यादा स्टोरी में नहीं जाते हैं, आप फॉलो करें जिस तरह से आपने जिस करने का है। हमारे सनोलिया जी हैं, कैलाश सनोलिया जी कुछ बात रखना। नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। हेलो सर, मेरा एक सवाल था, मैं आत्मधि साहब से उसका निराकरण चाह रहा था। हेलो, आप तो जवाब देने वालों में हैं, आपकी आवाज आ रही है। अरे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया इसलिए आपका मार्गदर्शन लेना पड़ता है कभी कभी। लोग आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं आरटीए के, इतने लोगों के केस आप मुफ्त में लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आते हैं अपने खर्चे पे। चलो ये सब आप लोगों से सीखा सर, थैंक यू सर। मेरा एक इशू ये था कि मैंने प्रथम अपील की थी संस्कृति विभाग वल्लभ भवन में प्रमुख सचिव कार्यालय में, तो उस प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय अधिकारी ने तो नहीं सुना और वहां के लोक सूचना अधिकारी ने सुना और उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया लोक सूचना अधिकारी ने, और अपने निर्णय में मौखिक ये बोल दिया गया कि 6 बिंदुओं में से 5 बिंदुओं की जानकारी इनको दे दी जाए। वो मुझे 5 बिंदुओं की जानकारी मिल भी गई, अब एक बिंदु जो बाकी शेष था उसके बारे में उन्होंने मुझे मौखिक टेलीफोन करके बोला कि अब आपकी सुनवाई प्रमुख सचिव सुनाएंगे, मतलब जो वहां के प्रथम अपील अधिकारी है वो सुनेंगे, मतलब पहले वहां के लोक सूचना अधिकारी ने मेरी प्रथम अपील को सुन लिया। मेरा ऐसा मानना था कि लोक सूचना अधिकारी को मेरी प्रथम अपील सुनने का कोई अधिकार ही नहीं था, और उन्होंने सुन लिया और अपना निर्णय भी दे दिया मौखिक रूप से, और मुझे कुछ जानकारी मिल गई और एक जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए मुझे दोबारा फिर बुलाया गया। वो प्रमुख सचिव है जो वहां के चंद्रशेखर शुक्ला करके है, उन्होंने मेरी अपील की सुनवाई की और उस अपील को सुनवाई हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका निर्णय नहीं आया। तो मेरा सवाल यह है सर कि इस जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि लोक सूचना अधिकारी को मेरी प्रथम अपील सुनने का कोई अधिकार नहीं था, मेरा समय की बर्बादी की, मुझे भोपाल जाना पड़ा और दोबारा फिर बुलाया मुझे और वहां के प्रथम अपील अधिकारी ने सुना, तो क्या मैं इसकी शिकायत लोक सूचना अधिकारी की शिकायत राज्य सूचना आयोग में धारा 18 के तहत कर सकता हूँ या प्रथम अपील में ही इस इशू को उठा सकता हूँ कि मेरी समय की बर्बादी हुई और लोक सूचना अधिकारी को मेरी अपील सुनने का अधिकार भी नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर इस मामले में? आप दोनों काम कर सकते हैं, एक तो शिकायत तो तुरंत भेजी दीजिए कि इसने अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके ये गैरकानूनी कार्रवाई की है लोक सूचना अधिकारी, उसको कोई राइट नहीं अपीलीय अधिकारी के तरफ से कार्रवाई करने का, अपीलीय अधिकारी की तरफ से कोई भी कार्रवाई अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर से ही हो सकती है, कोई दूसरा उनके बिहाफ पे नहीं कर सकता। जी सर, तो उसकी शिकायत बनती है, उसने गैरकानूनी कृत्य किया है। और दूसरा, जैसे ही आपकी प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी ने सुनी और 5 बिंदु की देने को कहा, और तब तक अगर आपके अपील प्रथम अपील को 45 दिन हो चुके हैं तो बाद में वो शुक्ला जी सुने जो प्रमुख सचिव है या कोई और सुने, आपको उसकी वेट ही नहीं करना चाहिए, सेकंड अपील कर देना चाहिए। जी सर, क्योंकि 45 दिन की अधिकतम अवधि है, उसमें आपको निराकरण प्राप्त नहीं हुआ, आप तो बता रहे हैं प्रथम अपील अधिकारी ने भी 1.5-2 महीने निकाल दिए। जी सर, टोटल 5 महीने हो चुके हैं सर, उसमें करना चाहिए, इसमें आपको हर जाना भी क्लेम करना चाहिए कि मेरा इस तरह से आने जाने में खर्चा हुआ, मुझे शारीरिक आर्थिक मानसिक से परेशानी हुई, कामकाज का नुकसान हुआ, तो 19 आरटी के तहत मुझे हर जाना भी दिया जाए और ये इसके लिए इसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए हर जाने के लिए और दंडित तो करें ही। मैं पहले शिकायत करूं या प्रथम अपील को, दोनों के साथ ही करें? ना ना, शिकायत तो आप करेंगे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध। हाँ जी जी, उसने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है अपना,
जी सर अधिकारी ये तो शिकायत हो गई जी सर, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग इसमें आई जी, लेकिन जी सर। दूसरी जो सेकंड अपील करेंगे उसमें तो अपीली अधिकारी भी पार्टी बनेगा क्योंकि उसने आपके अपील का निराकरण नहीं किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी और अपीली अधिकारी दोनों बनेगा, एक बिंदु की बची हुई जानकारी दिलाने का मुद्दा बनेगा जी सर, सब बनेगा। आप बता सकते हो एक बिंदु क्या है जो बचा है? वही पांडुलिपि का मामला है, मध्यप्रदेश सरकार ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनियों के जो इतिहास जो लिखा गया था पूरे मध्यप्रदेश का, वो पांडुलिपि का इशू है तो वो नहीं दे रहा है मुझे। उसमें आपका पक्ष मजबूत है, उसमें लोकधन खर्च हुआ है, पांडुलिपि का भुगतान हुआ है, तो वो निश्चित रूप से मिलेगी आपको, सूचना आयोग में अवश्य जाए। चलो सर थैंक यू बहुत। शिकायत में केवल उसके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण का मुद्दा बना। हाँ उन्होंने अतिक्रमण किया है, प्रथम अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि मुझे याद है आपने इसी तरह के मामले में कलेक्टर को भी दोषी किया था उज्जैन जिले में आपने। ठीक है सनोलिया जी, धन्यवाद आपका। मिलन दास जी है, मिलन दास जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात पूछे। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आपका प्रश्न किससे है? हाँ सर आप लोग प्लीज मेरे जो इशू है इसमें अगर थोड़ा सजेशन अगर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। किनसे पूछना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न किनसे है? आदमी सर से है, सैल्यूट गांधी सर से है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। किनसे है? आत्मदीप सर से सर। ओके ठीक है, आत्मदीप सर से। हाँ सर, आप शिवानंद जी से भी पूछ सकते हैं सर। हाँ नहीं सर, आप लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा सा रिलैक्स ही रहता है सर। ये सर फास्ट अपीलेट अथॉरिटी सर, जब हम अपील करते हैं तो सर जनरली वो एक डायरेक्शन देता है पीआईओ को इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसके बाद सर वो कॉम्प्लाई होता या नहीं होता उसमें वो मतलब they did not take care whether the order has been complied with or not, तो ऐसा कोई रूलिंग है सर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का और ऐसा कुछ convincing order जिसमें I can pursue the appellate authority, first appellate authority, that it is your responsibility that the order may passed by you may are duly complied with by the PIO. तो इस सर, would you please help me? How can I convince the first appellate authority कि उन्होंने एक दिन yes sir कौन से state से बोल रहे हैं? हम West Bengal sir। West Bengal, बहुत अच्छा। देखिए प्रथम अपीलीय अधिकारी और ज्यादातर सूचना आयुक्त जानकारी देने का आदेश पारित कर देते हैं, लेकिन हाँ अपने आदेश में ये नहीं लिखते हैं कि इतने दिन में इस आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाए, उसके बाद ही ये केस क्लोज किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, जो हम हमेशा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाते अपने ऑर्डर में लिखते थे, क्योंकि हमने देखा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दे दिया उसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी जवाब नहीं देता है, और इसलिए वो अपीलीय अधिकारी के आदेश की परवाह नहीं करता क्योंकि अपीलीय अधिकारी को कोई सजा देने का अधिकार नहीं। ठीक है, फिर वो सूचना आयोग में आता है आदमी, पीड़ित आदमी, और वो सूचना आयोग भी आदेश दे देता है जानकारी दी जाए 15 दिन में, और फिर भी नहीं देता है, तो जो अपीलांट है वो वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। वो बिना किसी कसूर के सजा भुगतता है सर, तो खर्चा होता है आने जाने में, और लोक सूचना अधिकारी और ये सब तो सरकारी खर्चे पे अपना काम चलाते हैं सर। एक बार बोलना चाहूंगा सर, ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उनका तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है ना पीआईओ के ऊपर, और उनका एक स्टैट्यूटरी राइट मतलब ड्यूटी भी होता है कि अंडर द स्टैट्यूट ही हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सो दैट ही कुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज कॉन्टेम्प्लेटेड इन द आरटीआई एक्ट। सो आई मीन इवन दो ही कैन नॉट बी पेनालाइज्ड, आई मीन ही डजंट कम विदिन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 20 as per a penalty concern, but still I mean he has some role to play while disposing of the matter, kyunki sir hum ye bolna chahte hain ki first appellate authority agar properly disposed of kar dete hain to humko commission mein jana hi nahi padega na sir, aap log ki koshish kijiye sir please। aap bhi keh rahe hain aur is tendency ko rokne ke liye sabhi ko aayog se bhi ye request karna chahiye hearing mein कि सर आप ऑर्डर में ये भी बात शामिल कीजिए कि इतने दिन में आपका ऑर्डर की कंप्लायंस करके आपको सबूत के साथ वो कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें तभी क्लोज किया जाएगा, ये इसमें शामिल करिए सर आदेश में, ये रिक्वेस्ट सूचना आयुक्त से भी करना चाहिए अपील अधिकारी। शैलेश सर को जोड़ना चाह रहे हैं। शैलेश सर एक बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ,
तरीका ट्राई किया है और आई थिंक सक्सेसफुली ट्राई किया और कानूनी तौर पे वो वैलिड लग रहा है। एफआईआर फाइल करने का पुलिस में जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर अगर नहीं माना कंप्लाई हुआ या इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर नहीं माना, हाँ सर, क्या के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। आप चाहे तो मैं शिवानंद जी को भेज दूंगा एफआईआर की डिटेल और जो एफआईआर फाइल हुआ है लगाए गए हैं वो वैलिड लग रहे हैं, उन सेक्शंस के हिसाब से एफआईआर दाखिल हो सकता है। और मेरे ख्याल से देश भर में अगर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें एफआईआर करा के तो काफी दबाव आएगा, इस तरह के मैटर बंद हो जाएंगे। सर ये पनवेल में हुआ है, मैंने मिडडे का वो न्यूज आपका देखा था और भेजा है वही मैटर आप सबको अगर भेज सके। हाँ वो महाराष्ट्र में हमारे ख्याल से शैलेश गांधी सर पहला है, लेकिन शैलेश गांधी सर राजस्थान में हमने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं मानने पर आर्गुमेंट पूरा हो गया 7th ऑफ जुलाई को, उसमें कॉग्निजेंस आर्गुमेंट हो चुकी है, ऑर्डर होना है यानी कोर्ट कॉग्निजेंस लेने वाली है, कोर्ट कन्विंस्ड है। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं करने की वजह से एफआईआर दाखिल हो गए, कोर्ट में आर्गुमेंट पूरे हो गए हैं और सेम केस का आर्गुमेंट होने वाला है अलवर में, मल्टीपल एफ आई आर राजस्थान में दर्ज होती है। नहीं नहीं बिल्कुल, ताराचंद जी का वही मैं जोड़ने ताराचंद जी ने उसमें दिया। मैं ये कहना आप लोग सारे लोग हैं वो एक साथ अपना ऑन करके एक साथ मन बोला करिए, आवाज नहीं समझ में आती है, आप लोग एक एक करके बोलिए। ताराचंद जी ने जो बीच में अभी बात रखी है बिल्कुल सही बात है, वही मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था कि हालांकि महाराष्ट्र में सर पनवेल थाने में जो हुआ ये तो अपने किस्म का महाराष्ट्र का पहला मामला है, लेकिन राजस्थान में इस तरह से लगभग दर्जन भर FIR 2013 से लेकर के अब तक दर्ज हो चुकी है। और एक कार्यक्रम हमने रखा था जिसमें ताराचंद जी ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था, वो प्रेजेंटेशन अभी भी हमारे पास 80-85 पेज का उपलब्ध है। तो कई बार साथी लोग संपर्क करना चाहते हैं इस विषय में, हमने एक आर्टिकल भी लिखा था उनके प्रेजेंटेशन के बाद में, और उस आर्टिकल में हमने अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी नीचे दे दिया था और पूरा इनका डिटेल्स जितने भी FIR इन्होंने दर्ज किया है, कौन से FIR क्रमांक है, कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, तो वो न्यूज काफी सर्कुलेट हुआ था और अभी भी लोग हमसे संपर्क करते रहते हैं मोबाइल नंबर पर। तो फिर हम ताराचंद जी का और राव धनवीर जी का उनको रेफरेंस दे दिया करते हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और हमें लगता है कि ये पनवेल में भी हुआ, महाराष्ट्र में अपना पहला मामला है और भी ज्यादा सभी स्टेट्स में ये होते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम इनको ये तो एक मैसेज जाएगा जो PIO हैं, जो इनके ऊपर लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर ये मैसेज जाएगा कि भाई जानकारी दे दो, आदेश का पालन करो, नहीं तो FIR भी हो जाएगी और उसके लिए कोई हमें ये नहीं लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन जो होती है क्या कहते हैं अभियोजन स्वीकृत, हिंदी में यदि बोले तो उसमें अभियोजन स्वीकृत की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे FIR हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मैसेज है सरकार की। सर मैं एक लास्ट बात छोटी सी चीज इसमें जोड़ देता हूँ, छोटी सी चीज जोड़ देता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन परमिशन तब चाहिए होती है जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पहले परफॉर्म करेगा, और जब ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं हुई और ऑर्डर कंप्लायंस ही नहीं हुआ, तो जब ड्यूटी परफॉर्म नहीं हुई तो 197 CRPC का कोई बार कभी बीच में आएगा ही नहीं, स्टेट इम्यूनिटी उसे हासिल हो ही नहीं सकती क्योंकि ड्यूटी पहले परफॉर्म ही नहीं हुई। दूसरा, देश का कानून है कोडिफाइड, निर्णय आयोग ने कर दिया, उसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट नहीं गया तो ऑर्डर उस पर अपने आप में बाइंडिंग है, और उसको नहीं माने, देश का कानून नहीं माने, ये किस पब्लिक अथॉरिटी के पास अथॉरिटी हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इसलिए ये FIR दर्ज हो रही है और इनमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी क्योंकि कोर्ट के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है कि देश का ऑर्डर है, हमने सारी कंप्लाइंस कर दी, अपील कर दी, सेकंड अपील कर दी, डिसीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर नहीं माने तो पब्लिक सर्वेंट की हठधर्मिता है, और जब हठधर्मिता आती है तो 166, 166A, 188 और 420 अपने आप में सफिशियंट है इस चीज को प्रूव करने के लिए फैक्चुअल मैट्रिक्स से ही, इसलिए FIR दर्ज होती है, लीगल ग्राउंड है ये। बिल्कुल, तो इसके लिए आप सब लोग प्रयास करिए, हालांकि मुझे पूरा इसमें पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये सब सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं रहेगी, आप लोगों को कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, वो थाने में यदि बैठ गए और इस को लेकर और उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है थाने पर, तो वो FIR दर्ज करेगा, जिस तरह से पनवेल में भी हुआ है, जिस वकील ने वहां पर दर्ज करवाया है, तो वो भी उन्होंने
हाँ बोलिए तारा जी। राव धनवीर सिंह जी के केस में फर्स्ट अपील कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने की वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने इस चीज को वैलिड माना कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यानी एफआईआर दर्ज करने का जो ग्राउंड है वो राजस्थान हाईकोर्ट एडमिट कर चुकी कि बिल्कुल करेक्ट है प्रोसीजर। अच्छा तो उन्होंने क्या इसका रिमार्क भी दिया है ऐसा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए? नहीं, उन्होंने क्वेश्चन के लिए लगाया कि एफआईआर क्वैश होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट की फाइंडिंग ये है कि नहीं, क्वैश होने का कोई सवाल नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, क्वैश नहीं करिए। सर ये ऑर्डर शेयर कर सकते हैं जो आप सर 482 जो सीआरपीसी में उन्होंने हाईकोर्ट में ले गए थे वो सर्सियोरी में, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने प्ली को। नहीं, वही ऑर्डर अगर कोर्ट का मिल जाता है तो सबका हाथ थोड़ा और तगड़ा हो गया। मैं शेयर कर देता हूँ सर। थैंक यू सर, एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ सर, ये जो फास्ट अपील अथॉरिटी जब को डायरेक्शन देते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जो पीआईओ है सर वो उन्होंने सर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब वो टोटली इनकंसिस्टेंट विद द रिलेवेंट आरटीआई एप्लीकेशन, तो इवन द मैटर कैन कम विद इन द एम्बिट ऑफ आईबीसी, आई मीन रजिस्टरिंग ऑफ फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सर। The FIR is filed on the basis of IPC sir. अगर वो मतलब PIO ने सर वो जो reply देता है वो ये सोचिए कि वो misleading है, तो वो तो थाने मतलब the police authority would not say that we are not going to evaluate whether the information is misleading or genuine. I mean in that scenario sir, whether FIR can be registered if you have to give the proof to the police officials that the information provided by the PIO is false and misleading. You have to give the proof somehow. Only then they can register the FIR. थैंक यू सर। सर वो जो सर ऑर्डर है सर, वो जो शैलेश गांधी सर ने सर बोला प्लीज हेल्प अस टू गेट अ कॉपी अकॉर्डिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट सर, सो दैट वी कैन। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। पनवेल वाला जो आप बोल रहे हैं ना वो FIR, उसकी अपन शेयर करेंगे, हमारे पास भी उपलब्ध है, आप मैसेज करिए। ठीक है, अब आगे बढ़े और हमें लगता है कि एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, गर्मी का टाइम ज्यादा है और मेरी तो मैडम ने FIR कर दी है, वो मैडम ने 5,000 ले लिए थे, 26 पेज की जानकारी दी थी, और फिर मैं आयोग गया 19 मई को, तो मेरा छेड़छाड़ का और साथी कार्य में व्यवधान का मैडम आवेदन दे आई है SP सर सागर के लिए, तो मुझे लगातार पुलिस परेशान कर रही है कि ITI वापस लो या तो हमें FIR कर देंगे, तो सर मार्गदर्शन दें आप हमें। RTI वापस लेने के लिए पहले सर इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इनका इनके ऊपर FIR दर्ज। देखिए इलीगल काम के लिए तो कोई रास्ते हम क्या बताएंगे, क्योंकि कानून में जो रास्ते हैं ये गैर कानूनी है, मगर FIR गलत फाइल कर रहा है ये पुलिस के हाथ में है, इसमें मैं कुछ सलाह दूं वो भी बेकार हो जाएगी। तो सर मैंने गलत फाइल चार्ज नहीं की है, मैंने 6-8 तक का रिजल्ट मांगा था लोक सूचना अधिकारी से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका गलत है जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गैर कानूनी तौर से कोई अगर आपको थ्रेट देता है जी, उसके लिए कानूनी तौर पे हम क्या बता सकेंगे, मुझे पता नहीं है, मेरे समझ के बाहर है। हमें लगता है कि साहित्य जी आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए, यदि उन्होंने आपके ऊपर FIR दर्ज किया है तो आप पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें अपने दस्तावेज, आप RTI उनके समक्ष प्रस्तुत करें विवेचना के दौरान, बताएं कि भाई हमने RTI दायर की थी, ये जानकारी मांगी है और मेरे द्वारा मांगी गई, मेरे पुलिस को मैंने सूचित कर दिया था कि जे हम पे FIR कर सकती हैं। ठीक है अब इसमें ठीक है ना, उन्होंने आपको परेशान किया, ज्यादा से ज्यादा वो परेशान करेंगे, उससे आप इसको लेकर के हाई कोर्ट के ले जाइए, किसी वकील को मिलकर के आप अग्रिम जमानत के लिए लगा दीजिए, जो भी धाराएं वाराएं पहले देख लीजिए क्या हाई कोर्ट से अवेलेबल है कि यहाँ से है, मतलब आपका NDA कोर्ट से है, और उसमें आप किसी वकील को लेकर के अपना मामला सब रखिए, आपको आराम से जमानत मिल जाएगी और वो फिर क्वैश करने के लिए उसको क्वैश करने के लिए आप लगा दीजिए, क्योंकि आपने आपके पास प्रमाण है, आपने पहले पुलिस को सूचित किया है
और कि हमारे ऊपर एफआईआर हो सकता है, और उसने सिर्फ एफआईआर इस बेसिस पे किया है कि आपने गलत जानकारी मांगी है। नहीं सर, इसमें नहीं किया, छेड़छाड़ का किया है। अच्छा, छेड़छाड़ का लगा दिया। हाँ, वो 354 ठीक है, वो तो आम बात है, वो तो मतलब आजकल ये जो ठीक है, शासकीय कार्य में व्यवधान का तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन 354 का यदि आया है केस, तो ये मिसयूज है जिस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो आप अपने पक्ष में तथ्य रखिए, आप जब तथ्य रखेंगे तो तथ्य के आधार पर वैसे भी हाई कोर्ट उसमें निपटारा कर देगा। अब ये है कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कुल मिलाकर के पुलिस की कोई भी एफआईआर आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में धकेल देती है, ये सबसे एक दिक्कत की बात है। मतलब सब हर दूसरी कंप्लेंट्स और पुलिस की एफआईआर में यही अंतर होता है कि वो हम लोगों को अननेसेसरली प्रोसिक्यूशन में वो धकेल देते हैं। तो कुल मिलाकर के अपना कोर्ट में रखना। अधिक राशि लेने पे कोई लोक सेवक पे मध्य प्रदेश में पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या? क्या क्या मध्य प्रदेश में लोक सेवक जो अनुमानित राशि ले लेते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है, इसमें कोई आज दिनांक तक कोई पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुई है? अब इस विषय में तारा सिंह जी आपको बता सकते हैं। तारा सिंह जी, इनका प्रश्न ये है कि अनुमानित राशि इनसे ले ली गई, इनका जानकारी 100 पन्ने की थी, और कितनी राशि ली गई, कितने पन्ने की जानकारी, कितनी राशि ली गई? 26 पेज के 5000 तो ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो कोर्ट में उनके केस को, उनके एफआईआर को टाइम टाइम फिक्स कर देंगे, और आपको थोड़ा सा दिक्कत ही होगी, लेकिन आप कोर्ट में इन सब तथ्यों के साथ चले जाइए, आयोग में भी आप इसकी शिकायत कर दीजिए, और आपको निश्चित तौर पे इसमें रिलीफ मिलेगा। वो सिर्फ प्राथमिक हथकंडे के तौर पे उन्होंने उपयोग किया हुआ है आपको परेशान करने के लिए, आपको टॉर्चर करने के लिए, ठीक है? आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से आपको रिलैक्स रिलीफ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिकायत में भी चले जाएंगे। कुछ कहना चाहूंगा। शिवानी, इसमें ना एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है पुलिस के अंतर्गत ही, तो उनको ये शिकायत कर सकते हैं, और जिस थाने में इनके खिलाफ में ये झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उसी थाने में जाकर के, या फिर टेलीफोन से भी ये पता कर सकते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, या वेबसाइट भी उनकी अवेलेबल है, वहां पर ये शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का पोर्टल है पीजी पोर्टल, उसमें भी जाकर के ये शिकायत कर सकते हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, बस उसको फॉलो अप करना होगा इनको। थैंक यू। ठीक है साहित्य जी, इन सब मेथड्स का फॉलो करें। तो इसके साथ ही अभी समय काफी हो गया है, हमें लगता है कि आप लोगों ने काफी प्रश्न भी पूछ लिए हैं। 2 घंटे का समय आज हम यहाँ पे इसको विराम देंगे। सभी साथियों को यहाँ पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आदमी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में प्रारंभ से रहे और काफी प्रश्नों का आपने जवाब दिया। गांधी सर ने अभी एक मैसेज किया था कि वह कार्यक्रम से लीव कर रहे हैं, और उनके मैसेज को हम नहीं देख पाए, शायद वो लीव भी कर गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कार्यक्रम में हमेशा की भांति आकर के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और हमारे इतने सारे साथियों को जो यहाँ पर जुड़े, ताराचंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, और इतने ढेर सारे साथी, सनोलिया जी, और सब बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न भी पूछे, बहुत सारे हमारे साथियों ने उनके प्रश्न के जवाब भी दिए। और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और किसी एक नए अच्छे टॉपिक के साथ में, और आप लोगों के सुझाव सदैव आमंत्रित रहते हैं। तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसका नंबर 9589852587, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम परिचय के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप एक संदेश भेजें, हम उसमें आपको जोड़ लेंगे। वहाँ पर आप अपने जो संदेश है वहाँ पे आदान प्रदान कर सकते हैं, और कार्यक्रम के विषय में भी अग्रिम जानकारी आप लोगों को वेबिनार के विषय में मिलती रहेगी। धन्यवाद सर, आवेदित सर। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और ये शिवानंद जी, पनवेल वाला जो मामला है उसका जो भी ऑर्डर है वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो एफआईआर की कॉपी हालांकि उसमें है, आपकी वो भाषा है, क्या कहते हैं, मराठी भाषा में है, लेकिन गांधी सर ने उसको इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेट किया था, तो मैं वो आपको भेज दूंगा। बिल्कुल भेज दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद।